गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आप सभी का वेलकम है आप सभी लोगों का स्वागत है संदेश विथ सर के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है जो भी बच्चे हमसे लाइव जुड़ पा रहे हैं आप सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी आज आपके साथ डिस्कस करना है कुछ चीजें भी आपको बतानी है और कुछ चीजें भी आज आपको शेयर करना है सभी बच्चों को पता है कि एस एस का आंसर की आ चुका है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और एक कल हम लोग यानी कि मंडे को कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लेके आएगा एक क्रांति लेके आएगा एक पूरे एसएससी के क्षेत्र में पूरे एजुकेशन के क्षेत्र में पूरा रिवॉल्यूशन लेके आएगा उसका थंबनेल अभी हम लगवा देंगे लेकिन वो क्लास वो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी कब कल कितने बजे रात दस बजे तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे अभी हम सबके बारे में बात करेंगे तो आप लोग बताइए कैसा रहा आपका संडे पढ़ाई लिखाई किया आप लोग एक बार सभी बच्चे बताइए कि क्या आप लोग आज पढ़ाई लिखाई किए जी डी का आंसर की आ चुका है सभी बच्चों ने अपना आंसर की देखा भी होगा बताइए भाई तो हमने अभी इससे पहले कल कट की वीडियो बनाई थी तो जो भी बच्चे उस कट को फुलफिल कर रहे होंगे वो अपना 100 परसेंट फिजिकल के लिए कॉल सर प्लीज नाम ले लीजिए पीयूष यादव ठीक है नाम ले लिया आपका वो अपना फिजिकल के लिए कॉल श्योर माने बाकी फाइनल सिलेक्शन के लिए भी हमने आपको बता रखा है दूसरी बात दूसरी बात क्या बताना है मुझे कि जो भी बच्चे उस कटाफ से अगर दो चार नंबर कम या फिर दो चार नंबर ज्यादा भी है ना तो उनको पैनिक नहीं होना है आप अपने आप पे भरोसा रखिए अपने मेहनत पे भरोसा रखिए जितनी आपने शिद्दत से पढ़ाई की है उसका आपको रिटर्न मिलेगा उसका रिटर्न आपको मिलेगा संडे को बिंदास था गुरु जी ठीक है संडे बिंदास हम आज बिंदास पढ़ाई करेंगे आज की है मैराथन क्लास मैराथन का मतलब आज हम लोग एज प्रॉब्लम खत्म करेंगे सर रवि सर नहीं पढ़ाएंगे नहीं रवि सर कल पढ़ाएंगे आज मैंने कहा रवि सर आज मैं पढ़ाऊंगा दो घंटे तो चलिए रवि सर कल पढ़ाएंगे आपको तो आज ये हम लोग मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे क्लास में और कुछ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि सभी सवालों में तो ट्रिक्स नहीं लग सकता लेकिन जितने सवालों में लग सकता मैं आपको बताऊंगा और ये सभी एग्जाम के लिए होगा चाहे आने वाले समय में आप सीजीएल दे रहे हो चाहे आप सीपीओ दे रहे हो अगर सीजल का एग्जाम देंगे वहाँ भी सवाल आएगा, तो कुछ इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते रहेंगे कुछ चीजें भी हम आपको बताते रहेंगे ठीक है चलिए भाई आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है मेरे बच्चे आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं हमारे पास कई बच्चों ने डाउट भेजे हैं किस चीज के डाउट भेजे हैं उन्होंने कहा सर जीडी का आंसर चुका है और मैथ ने मुझे मुझे ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन करना करना है कोई करना है कोई कोई बोला बोला सर सर रीजनिंग में हमें जीएस में ऑब्जेक्शन करना है तो देखिए जितने भी बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन में डाउट होगा अगर उनको लगता होगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन गलत है मुझे ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर उनको लगता है कि ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ऑब्जेक्शन के लिए आप हमें इस नंबर पे अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके फोटो भेज दें ये जरूर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन किस डेट का है और किस शिफ्ट का है तो डेट शिफ्ट और क्वेश्चन का स्क्रीन लेके हमें आप इस व्हाट्सएप भेज कर देंगे तो मैं कल जितने भी क्वेश्चन है मैं पूरे के पूरे चौहत्तर सेट को आज रात में सॉल्व कर लूंगा चौहत्तर के चौहत्तर सेट आज रात भर में पूरी रात सॉल्व कर लूंगा जितना मुझे लगेगा कि डाउट है आ, मतलब कि गलत है वो मैं देख लूंगा अभी हमने दो चार सेट सॉल्व भी कर लिए हैं बाकी आपको अगर डाउट लगेगा तो आप हमें बता सकते हैं कि सर ये डाउट है तो डेट वाइज सिपाइज डाल के इस व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपका डाउट ले लेंगे और आपको बता देंगे हाँ ये सवाल गलत है या सही हालांकि कुछ बच्चों ने भेजा अभी हम उसको डिस्कस करेंगे चलिए तो अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास और आज की क्लास ये आपकी एज प्रॉब्लम की क्लास है और एज प्रॉब्लम की क्लास जो मेरे बच्चों मैंने लिया है ना वो सारे देखिए अच्छे अच्छे सवाल हमने लिए हैं सवाल ये सारे मेंस के हैं प्री के हैं सीजीएल के है सीपीओ के हैं सभी सवाल के हैं लेकिन सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखिए सबसे पहले आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं एज प्रॉब्लम का सबसे पहले एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग आइए एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है एज प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों एज प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है जरा हम लोग समझते हैं एज प्रॉब्लम बहुत ही आसान टॉपिक है और आज के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आइए आइए हम लोग समझते हैं जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम समझिएगा आप लोग ध्यान से राम एक व्यक्ति है राम और इसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स वर्ष है एक्स वर्ष मान लेते हैं कोई व्यक्ति है राम जिसकी वर्तमान यानी कि आज यानी कि टुडे हाँ इसका पीडीएफ पूरा का पूरा क्लास खत्म होने के बाद संदेश के टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ले सकते हैं जैसे राम है उसकी एज है एक्स वर्ष आज मैं आपसे पूछूं कि दो साल बाद क्या होगा तो आप कहेंगे सर अगर आज मान लीजिए मैं बीस साल का हूं जैसे आज मैं पच्चीस साल का हूं तो दो साल बाद कितना हो पच्चीस और दो सत्ताईस तीन साल के बाद पच्चीस और तीन अट्ठाईस और चार उनतीस और दो साल पहले कितना था तो पच्चीस माइनस दो तेईस चार साल पहले कितना था तो पच्चीस माइनस चार इक्कीस अगर कोई आज एक्स साल था तो मैं पूछूं चार साल पहले उसकी उम्र क्या थी तो आप कहेंगे सर एक्स माइनस फोर ईयर कोई दिक्कत है एक्स माइनस फोर ईयर x माइनस फोर इयर अगर मैं आपसे पूछू कि कोई बताइए पांच साल बाद कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर जितना वर्तमान में है वो x प्लस फाइव हो जाएगा कोई दिक्कत है नहीं बात समझ में आ गया मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जैसे मान लीजिए ये उसकी वर्तमान उम्र है ये आपने ली उसकी वर्तमान उम्र प्रेजेंट और ये आज के चार साल पहले और ये पांच साल बाद तो मैं अगर इतनी सी बात पूछूं कि चार साल पहले और पांच साल बाद की उम्र का डिफरेंस क्या होगा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी व्यक्ति की चार साल पहले और पांच साल बाद यानी यहां से यहां का डिफरेंस क्या होगा तो माइनस चार प्लस पांच यानी कि नौ वर्ष यानी कि चार साल पहले और चार साल बाद की उम्र का डिफरेंस क्या होगा नौ वर्ष क्लियर हो गया आज संदेह रवि सिंह स्टूडेंट की हर एक, आ, एक सभी लोग विश कर रहे हैं आकांक्षा नाम है ठीक है चलिए बर्थडे मत विश करिए पढ़ाई कर लीजिए आइए जैसे मेरे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ए है और इस व्यक्ति की उम्र आज बीस वर्ष है तो तीन साल पहले कितना होगा तो बीस में से तीन जाएगा सत्रह वर्ष और मैं बोलूं कि पांच साल पहले क्या होगा तो पच्चीस वर्ष ये तीन साल पहले ये पांच साल बाद यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा आठ वर्ष देखिए जब इसमें आप आठ जोड़ेंगे तब ये होगा यानी दोनों का डिफरेंस होगा आठ वर्ष क्लियर हो गया आइए एक चीज और समझते हैं हम लोग एक चीज और समझते हैं जैसे मान लीजिए कि मैं आज आज मैं मान लीजिए कि मैं 28 वर्ष का हूं मान लेते हैं कि मैं आज 28 वर्ष का हूं और मान लीजिए कि आप हैं आज 20 वर्ष के आप हैं 20 वर्ष के अगर मैं आपसे बोलूं कि पांच साल के बाद तो मैं आपसे बोलूं कि हम दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना है तो हम दोनों की उम्र का जो डिफरेंस है वो आठ वर्ष है यानी मैं आपसे आठ साल बड़ा हूं या फिर आप हमसे आठ साल छोटे हैं या फिर हम दोनों लोगों की उम्र का डिफरेंस आठ साल है आज के पांच साल बाद क्या होगा तो आज के पांच साल बाद होगा मैं तैतीस साल का हो जाऊंगा और आप पांच साल बाद कितने हो जाएंगे पच्चीस साल के बात समझ में आ रहा है यानी आज के आ, आज के पांच साल बाद आज के पांच साल बाद भी आज के पांच साल बाद भी हम लोगों की उम्र का जो अंतर है वो आठ साल ही होगा यानी कहने का मतलब कि दो व्यक्तियों की उम्र का डिफरेंस दो व्यक्तियों की उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है अगर मैं आपसे आठ साल बड़ा हूं तो आज भी बड़ा हूं कल भी रहूंगा जीने के साथ भी जीने के बाद भी आठ साल बड़ा रहूंगा बात समझ में आ गया कि नहीं क्लियर है हाँ रेशियो बदल जाएगा रेशियो बदल जाएगा लेकिन अंतर नहीं बदलेगा अगर मैं पूछूं कि आज हम लोगों की उम्र का अनुपात क्या है तो दो से काटेंगे चौदह दो से काटेंगे दस बोलेंगे कि सर मेरी और आपकी उम्र का रेशियो चौदह रेशियो दस है और यहां रेशियो क्या है तैतीस रेशियो पच्चीस तो रेशियो चेंज होगा मेरे बच्चे रेशियो चेंज हो सकता है हमारी और आपकी जो उम्र का रेशियो चेंज होगा लेकिन हमारी और आपकी उम्र का जो अंतर है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा बात समझ में आ गया बहुत आसान है चलिए आइए हम लोग सवाल से ही शुरू करेंगे और सवाल से समझने की कोशिश करेंगे एक एक सवाल हमने लिया है और सारे के सारे एग्जाम के ही सवाल हैं और बहुत ही शानदार ये पहला सवाल आपके सामने आ चुका है और ये सवाल आपका है पेपर सीजीएल प्री का हुआ था उसका सवाल है तो जो भी सवाल हाँ रेशियो चेंज होगा लेकिन हमारी और आपकी उम्र का डिफरेंस चेंज नहीं होगा क्लियर हो गया चलिए ये बताइए किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होगा तो बीच में आप हमसे पूछते भी रहेंगे कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करते रहेंगे सारे क्वेश्चन हमने बिल्कुल अपडेटेड लिए हैं अभी हम आपका धीरे 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 लेवल भी इंक्रीज करेंगे और आज के बाद आपको एज प्रॉब्लम की कोई समस्या नहीं रह पा नहीं रहने वाली है अच्छा यहां थोड़ा सा ऑप्शन पहले ही सवाल में गलत है कोई बात नहीं हां ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया है कोई बात नहीं पहला सवाल है मैं इसको करेक्शन कराने वाला था नहीं करा पाया और यहां था ये ये सैतीस था ये पैंतीस था सैतीस पैंतीस था, था। चलिए करिए दिया गया द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रमेश इज थ्री टू फाइव एंड आफ्टर सेवन ईयर द रेशियो एज विल बिकम फोर इज टू फाइव फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात तीन पांच है सात वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें मेरे बच्चों मैं आपको रेशियो से भी बताऊंगा आपको एक्स से भी बताऊंगा और डायरेक्ट ऑप्शन से करने का तरीका भी सिखाऊंगा पहले बात ये राम है ध्यान से सुनिएगा एकदम बिल्कुल बेसिक से भी बताऊंगा एक्स से भी बताऊंगा रेशियो से ट्रिक से बताऊंगा ये राम है और ये रमेश है ये राम है और ये रमेश है और इनकी प्रेजेंट एज कितनी है थ्री इंस टू फाइव थ्री टू फाइव और सात वर्ष क्या हो जाएगा फोर इंस टू फाइव ये सात वर्ष के बाद है ये प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है और ये सात वर्ष के बाद है इसका मतलब राम तीन से चार हो गया एक यूनिट बड़ा है और ये भी ये कितना बड़ा है तीन से पांच अच्छा ये चार से छह होना चाहिए ये चार से छह होगा यहां करेक्शन है कोई बात नहीं यहां कर लीजिए ये चार से छह यहां होगा ठीक है ये चार से मेरे बच्चे छह है चार से छह है ध्यान से सुनिए सभी लोग ध्यान से सुनिए ये राम तीन से चार हो गया और ये पांच से छ हो गया अच्छा आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर बीस साल मैं हूं अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी सि सिखाया हूं कि मैं अगर बोला हूं कि बीस साल का मैं हूं और अगर पंद्रह साल के आप हैं ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब आज के पांच साल बाद क्या होगा पच्चीस साल तो पांच साल बाद आप भी तो बीस साल के हो जाएंगे इसका मतलब पांच साल आप में भी इंक्रीज हुआ और पांच साल मेरे मेरे भी, भी में इंक्रीज हुआ जैसे अगर मैं बोलूं कि आज मैं पंद्रह साल के हैं तो साल बाद क्या होगा तो मेरी भी एज पांच साल बढ़ेगी आपकी भी एज पांच साल बढ़ेगी यानी इसकी भी एक यूनिट बढ़ेगी इसकी भी एक यूनिट बढ़ेगी और उसी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है एक यूनिट की वैल्यू सात वर्ष है तो पूछा गया रमेश की वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगा सात पचे वर्ष तरीका हो गया बहुत आसान है अब देखिए आप इसको एक्स से भी कर सकते हो मैं आपको तीन तरीके सिखाऊंगा अभी पहले शुरुआत है समझिए आप लोग जैसे मैं मान लूंगा कि राम की एज थ्री एक्स है दूसरा तरीका देखिए थ्री एक्स और रमेश की कितनी फाइव एक्स और बोला गया सात वर्ष बाद तो आज से सात वर्ष बाद क्या होगा एज जुड़ेगी कि घटेगी एक बार सभी बच्चे बताए तो आज के सात वर्ष बाद एज जुड़ेगी कि घटेगी जुड़ेगी यानी जितनी एज है जो उसमें सात जुड़ जाएगी और सात वर्ष बाद रेशियो क्या हो गया चार रेशियो छो तो देखिये छह त्री अठारह और पांच चौको बीस देखिए तरीका सीखिए छह तरीके अठारह बीस अंतर कितना हो जाएगा टू यक्स बात समझ में आ गया और छह चार का अंतर दो दो सत्य चौदह यानी एक्स की वैल्यू हो गई सात एक्स की वैल्यू हो गई सात ये राम है ये रमेश है पहले राम है तो ये राम की एज दूसरा रमेश है तो रमेश आपका फाइव एक्स और फाइव इंटू सेवन पैंतीस अब देखिए क्या इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे ये समझना जरूरी है मेरे मेरे बच्चों जैसे आपने राम की एज मानी तीन यक्स और रमेश की मानी पांच यक्स आप इसको सॉल्व करोगे एक्स की कोई वैल्यू आएगी एक्स की कोई वैल्यू आएगी तो जब एक्स की वैल्यू आएगी तो अगर आपसे कोई पूछेगा राम की एज कितनी है तो आप तीन में एक्स का गुणा करोगे अगर कोई पूछेगा रमेश की एज कितनी है तो पांच में एक्स का गुणा करोगे तो अगर रिजल्ट जो आएगा वो तीन का मल्टीपल होगा यहाँ पांच का मल्टीपल होगा तो कोई पूछे रमेश किसका मल्टीपल होगा तो पांच से कटने वाला ना तो बारह होगा और ना ही सैंतीस होगा यानी दो ऑप्शन है अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट कर देते लेकिन हम इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं इसको मैनुअली करना पड़ेगा आइए क्वेश्चन नंबर टू ये भी सवाल आपका दिसंबर का ही पूछा गया यानी अभी दिसंबर का सवाल है बिल्कुल हम लोग सभी सवाल अपडेटेड लिए हैं ये सवाल बताइए ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात ये है और पांच साल बाद उनका अनुपात ये होगा बी की आयु बतानी है ये ए बी की वर्तमान आयु है दो तीन और फिर कितनी हो जाएगी तीन चार ये वर्तमान है ये वर्तमान प्रेजेंट है अब ये भी एक बढ़ गया ये भी एक बढ़ गया बढ़ेंगे तो दोनों भाई पांच साल के बाद अगर बोलूंगा पांच साल के बाद तो दोनों बढ़ेंगे ना भाई जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा दोनों में समान वृद्धि होगी जैसे मान लीजिए आज मैं तीस साल का हूं आप बीस साल के हैं तो दोनों में वृद्धि पांच साल के बाद समान होगी तो आप हमें बताइए एक यूनिट की वृद्धि इसमें भी हुई है इसमें भी हुई है चाहे इससे सॉल्व करिए चाहे इसे सॉल्व करिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी है पांच वर्ष पूछा गया किसका बी की वर्तमान उम्र तो यहां गुड़ा कर दीजिए तो पांच में तीन का गुड़ा करेंगे पंद्रह वर्ष कितना हो जाएगा पंद्रह वर्ष अब मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी पूछा जाएगा बी की उम्र तो बी की उम्र किसका मल्टीपल है तीन का मल्टीपल तो तीन का मल्टीपल ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये ऑप्शन हो जाएगा बात समझ में आया कि नहीं आया तो मैंने थमनेल पर लिखवाया है कि सवाल को दो सेकेंड में करें तो वास्तव में अगर कुछ सवाल बहुत अच्छे सवाल आएंगे और डायरेक्ट अगर आप मल्टीपल देख सकते हैं तो वास्तव में दो सेकंड में हो सकता है हाँ सभी सवाल तो नहीं हो सकते लेकिन कुछ सवाल जरूर हो सकते हैं आइए इस सवाल को करिए सवाल आपका मेंस का है मेंस का सवाल है आइए द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सीमी एंड सीमा इज फाइव इज टू फोर मैंने क्वेश्चन बनाया ना आंसर बनाया आप चेक कर लीजिए एस एस सी सीजियल टी टू टू थाउजेंड एटीन में यह सवाल, सवाल पूछा गया तो मैंने बोला कि कुछ सवाल हो सकते हैं तो जो सवाल होंगे वो दो सेकेंड में ही हम लोग कर सकते हैं आइए पहले इसको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं एक आपकी सीमी है एक आपकी सीमी है और एक आपकी सीमा है तो इसका एज फाइव है इसका एज फोर है तो हम मान लेते हैं फोर एक्स इसको, इसको फाइव एक्स कोई दिक्कत नहीं है बताइए भाई अब नौ साल बाद तो नौ साल बाद क्या होगा जुड़ेगा कि घटेगा आप बताइए कॉमेंट करके तो जुड़ेगा कि घटेगा बाद में जुड़ता है और पहले में घटता है नौ साल बाद क्या हो जाएगा आठ रेशियो सात क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सात पच्चे पैंतीस एक्स प्लस सात में नौ का गुणा करेंगे तिरसठ आठ में चार का गुणा करेंगे बत्तीस एक्स और आठ में नौ का गुणा करेंगे बहत्तर ये वैल्यू उधर लेके आइए तो पैंतीस में से बत्तीस घटेगा तो तीन एक्स और ये वैल्यू उधर जाएगा तो तिरसठ सात नौ मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ गया तीन अब किसका पूछा गया है पूछा गया सीमी की वर्तमान सीमी कौन है सीमी ये है सीमी सीमी की वर्तमान उम्र क्या होगी पांच गुड़े तीन यानी कि पंद्रह वर्ष एक तो तरीका ये हो गया बात समझ में आ गया रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे बच्चों रेशियो से कैसे करते देखिए दोनों की वर्तमान उम्र कितनी थी पांच चार ये वर्तमान उम्र है और नौ साल के बाद आठ सात हो गई आठ सात तो दोनों बढ़ेंगे ये भी तीन यूनिट बढ़ा ये भी तीन यूनिट बढ़ा भाई जब नौ साल बीतेगा तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा तो पांच से आठ हो गया चार से सात हो गया तीन की वृद्धि तीन यूनिट और तीन की वैल्यू नौ वर्ष है तो एक की वैल्यू तीन वर्ष होगी इसका मतलब किसका पूछा गया सीमा सीमी ये सीमी है ये सीमा है तो सीमी हो जाएगी पांच पंद्रह वर्ष का अगर कोई पूछता सीमा तो चार बारह वर्ष का ठीक है चलिए बताइए भाई बोलिए ये सवाल एस एस सी सीजीएल टीयर वन टू थाउजेंड नाइनटीन में सवाल ये पूछा गया है बताए अभी धीरे धीरे आपके सवाल का मैं लेवल बढ़ाऊंगा अरे नहाना है तो बीच धारों में नहाओ किनारों पर क्या रखा है सिलेक्शन लेना है तो संदेश के हीरो रवि सिंह के पास जाओ और कोचिंगों में क्या रखा है रवि सर एंड राजेश जिंदाबाद थैंक यू माय डियर थैंक यू आइए ए और बी की वर्तमान आयु यह है और 9 साल के बाद ये हो जाएगी सी बी से तीन वर्ष छोटा तो सी की वर्तमान देखिए अब धीरे धीरे आपके सवाल का लेवल बढ़ रहा है अब ये सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है दिया गया कि ए और बी की वर्तमान आयु आठ नौ है देखिए ए और बी की वर्तमान आयु आठ नौ है पहले समझिए ए और बी ए और बी की वर्तमान आयु आठ नौ है मैं यहां लिख देता हूं ये ए है और ये बी है ए और बी की वर्तमान आयु क्या है आठ और नौ तो मैं इसको मान लेता हूं आठ एक्स चूंकि ये रेशियो है ना भाई ये रेशियो है ना आठ नौ ये रियल डेटा तो नहीं है तो मानना पड़ेगा कि यह आठ एक्स नौ एक्स अब नौ वर्ष बाद तो नौ वर्ष बाद क्या हो जाएगा जुड़ेगा तो आठ एक्स में नौ जोड़ दो और नौ 9x में भी नौ जोड़ दो और रेशियो क्या बन जाएगा उन, उन्नीस रेशियो इक्कीस अब देखो यहां से x का मान निकालने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है तरीका सीखना देखो 21 में 8 का गुड़ा करोगे कितना होगा एक सीखो एक बार और 19 में 9 का गुड़ा करोगे एक कि अंतर कितना हो गया इन दोनों का अंतर लो 3x एक्स और मेरे बच्चों जब ये बराबर है ना ये बराबर है ना तो इसका अंतर पहले ले लो उन्नीस इक्कीस का अंतर होगा दो दो नवा अठारह यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी की वैल्यू क्या आ जाएगी छ क्या आपको बात समझ आया बोलिए अगर कोई आपसे पूछे कि एक कितने साल का है एक कितने साल का तो हम बोलूंगा आठ में छ का गुणा कर लीजिए अड़तालीस साल का और कोई पूछे बी कितने साल का तो मैं कहूंगा नौ में छ का गुणा कर लीजिए चौवन साल का लेकिन कब भाई वर्तमान में ये वर्तमान है साफ साफ लिखा हुआ वर्तमान पूछा गया कि चौवन तो में से तीन घटाओगे इक्यावन वर्ष तो पूछा गया सी की वर्तमान उम्र इक्यावन वर्ष फिफ्टी वन उम्मीद है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई है एक बार सभी बच्चे बताएं विनोद आशीष हर्षिता ग्रहरी ठीक हाँ, है भाई अंकित बीटीएस सबको समझ आया किसी को कोई दिक्कत नहीं है बताइए भाई अच्छा अब अगर रेशियो से करना चाहे तो कैसे होगा रेशियो से देखो दूसरा तरीका भी सीखो दूसरा तरीका भी सीखो यहां मैं बता देता हूं ए और बी ये ए है ये बी है और दोनों की वर्तमान उम्र तुम्हारी एट और नाइन है एट और नाइन है और बाद में कितनी हो जाएगी उन्नीस इक्कीस उन्नीस इक्कीस उन्नीस इक्कीस अब जरा तुम ये बताओ इसमें कितने की वृद्धि हुई ग्यारह की और इसमें बोलो बारह की ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे थोड़ा ना होगा ऐसा थोड़ा ना होगा अगर नौ साल बाद मेरी भी उम्र में नौ जुड़ा है तो आप में भी नौ जुड़ेगा अगर मे... मैंने आज मेरी उम्र और आपकी उम्र जो भी होगी पांच साल के बाद मेरी भी उम्र में पांच जुड़ेगा और आपकी भी उम्र में पांच जुड़ेगा अगर मैं छब्बीस साल का हूं तो मैं तीस साल का हो जाऊंगा अगर आप बीस साल के हैं तो चौबीस साल के हो जाएंगे लेकिन देखो यहां बराबर नहीं है अब बराबर करने का तरीका सिखा रहा हूं इसके अंतर का गुणा इसमें करो और इसके अंतर का गुणा इसमें करो अब उन्नीस इक्कीस का अंतर कितना बोलो तो उन्नीस इक्कीस का अंतर है दो तो दो का गुणा इसमें कर दो अब चूंकि आप जानते हो कि सिर्फ एक में गुणा नहीं कर सकते अगर हम दोनों में गुणा नहीं करेंगे तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा और इसका अंतर एक था तो एक का गुणा करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं अब देखो ये सोलह से उन्नीस तीन बढ़ा

ये सवाल करते हैं हम लोग सीजीएल टीयर वन टू में सवाल यह पूछा गया है एक बार आप सभी बच्चे इसका आंसर दें चप्पा चप्पा भर जाएगा रवि सर के दीवानों से सारा प्रयागराज गूंज उठेगा रवि सर के जयकारों से बहुत बढ़िया जय मां शारदा नाम तो आपका शारदा है लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो गजब का है काबिल तारीफ है मतलब एक जोश है एक जुनून है कुछ करने का जीवन में कुछ आगे बढ़ने का बहुत अच्छा विजेंद्रपाल अनिल शिखा शिखा ठाकुर का भी सी है वेरी गुड अंकित कुमार सिंह सर ये टॉपिक ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे बेटा पढ़ लो ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ नहीं रखा पढ़ लो इतना बेहतरीन तो पढ़ा रहा हूं बोलो ना चलो ये करो ये करो बोला अब ये सवाल बहुत शानदार है अब देखो सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तुम्हारे अब सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा बोला गया कि फोर ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज इतना एंड एट ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इतना एंड व्हाट विल बी दोनों की उम्रों का योग वर्तमान उम्र का योग ये पूछा गया है। पूछा गया, उन दोनों की वर्तमान उम्र का योग तो उन दोनों की वर्तमान उम्र योग निकाल के जोड़नी पड़ेगी अब सुनो दिया गया कि चार वर्ष पहले ए बी का अनुपात ये था और अब से आठ साल बाद ये अनुपात होगा उन दोनों की वर्तमान अब जरा बताओ से बताऊं कि रेशियो से यक्ष से बताऊं कि रेशियो से चलो हम दोनों से बताते हैं देखो मान लेते हैं ये चार ये प्रेजेंट है ये आज है लेकिन आज का रेशियो नहीं दिया है ये रेशियो चार साल पहले का है तो चार साल पहले के लिए ऊपर लिख लो ये फोर फाइव और आठ साल बाद क्या है ग्यारह तेरह ध्यान से सुनना अगर ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट है मेरे बच्चे Osionfish. मेरे बच्चे ध्यान से सुनो अगर मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट है तो पहले के लिए पास्ट में लिख लो बाद के लिए फ्यूचर में लिख लो अगर पहले लिखना है तो पास्ट में लिख लो ऊपर बाद में लिखना है तो फ्यूचर में लिख लो यानी आज से आगे जाएंगे तो आगे और बैक की बात होगी तो पीछे अब ये आज के चार साल पहले की बात हो रही है और ये आठ साल बाद की ये आप आज के चार साल पहले की और ये आज के आठ साल बाद की ये तो कंफर्म है अब देखो ये चार से ग्यारह हुआ सात बढ़ा और ये तो आठ बढ़ा ऐसे नहीं होगा ये गड़बड़ है ये गड़बड़ है ये चार से ग्यारह हुआ तो सात बढ़ा और ये पांच से तेरह हुआ तो ये कैसे होगा नहीं अब करना पड़ेगा इन दोनों का अंतर कितना है दो इन दोनों का अंतर एक तो दोनों इसके अंतर का गुड़ा इसमें इसके अंतर का गुड़ा इसमें तो दो से गुड़ा करो दो से गुड़ा करो दोनों में अच्छा इसमें तो एक से गुड़ा करे ना करे कोई फर्क नहीं अब आठ से ग्यारह तीन बढ़ा दस से तेरह तीन बढ़ा यानी तीन की वृद्धि हो रही है और उस तीन यूनिट की जो वैल्यू है ना वो आठ और चार बारह साल इस रेशियो से इस रेशियो का जो अंतर है ना वो बारह साल है साल अभी हमने आपको बता रखा है कि चार साल पहले और आठ साल बाद का मतलब बारह साल अंतर तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो फोर ईयर होगी एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो फोर ईयर होगी अगर कोई पूछे कि एज क्या है तो ये ए है ये बी है एज का ए का क्या हो जाएगा चार में दो का गुणा करेंगे आठ आठ सौ को बत्तीस वर्ष ये हो जाएगा बत्तीस वर्ष का और 10 में चार का गुणा करेंगे तो 40 साल का लेकिन कब आज नहीं ये चार साल पहले रेशियो कब का है ये चार पांच रेशियो आज के चार साल पहले का है चार साल पहले का पूछा गया उन दोनों की वर्तमान उम्र अगर ये चार साल पहले बत्तीस साल का था तो बत्तीस में चार जोड़ देंगे तो आज ये छत्तीस साल का अरे भाई अगर चार साल पहले आप बत्तीस साल के थे तो आज आप बत्तीस में चार जोड़िए छत्तीस और अगर ये चालीस साल का था तो आज चौवालीस साल का तो दोनों की वर्तमान उम्र का जो योग होगा वो अस्सी वर्ष होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा कुछ बच्चे सी बता रहे हैं कुछ बच्चे कुछ बच्चे सी बता रहे हैं गलत है बेटा ये देखो ना ए और बी की ए और बी की आयु का अनुपात ये है तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा इसका योग बताना है योग ये गलत कर दिया आप लोग बताइए ये सवाल आप गलत कर दिए अस्सी होगा वर्तमान आयु का योग अच्छा कुछ बच्चे बहत्तर बता रहे होंगे चालीस लेकिन ये चार साल पहले बेटा ये आज का नहीं है ये चार साल पहले का ये देखो ना चार साल पहले अनुपात है अरे भाई ये चार साल पहले का अनुपात है आज का थोड़ा ना है हाँ आज तो अस्सी साल होगा सवाल को पढ़ना है गलती नहीं करना देखो गलती मत करिए आप एक बार सभी बच्चे थम दबाए सभी बच्चे थम दबाए कितने बच्चों का पहली बार में सही था जितने का पहली बार में सही था पहली दबाएं जिसका दूसरी बार में सही था दूसरी बार में दबाए अब देखो अगर इसको एक से हम लोग कर लेते हैं तो भी कोई समय ज्यादा नहीं लगता अब देखिए अभी आपको ऑप्शन से भी सिखाऊंगा अगर एक से कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई एक उम्र फोर एक्स मान लेते हैं बी की उम्र फाइव एक्स मान लेते हैं ये एक उम्र मान लेते हैं ये बी की उम्र मान लेते हैं लेकिन ये कब है चार साल पहले ये चार साल पहले है और ये आठ साल बाद है तो चार साल पहले और आठ साल बाद क्या जोड़ना पड़ेगा बारह साल इसका मतलब इसमें बारह साल जोड़ना पड़ेगा बारह साल भाई अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि चार साल पहले और पांच साल और आठ साल बाद यानी अगर आज 2023 है तो चार साल पहले कितना था 2019 और आठ साल बाद कितना होगा तो 31 तो उन्नीस और का अंतर 12 साल यानी 12 जोड़ना पड़ेगा बताओ सबको समझ आया कि नहीं 12 क्यों जुड़ा ये चार साल पहले में बारह जोड़ोगे तो आज के आठ साल बाद आएगा ग्यारह तेरह क्या ये सबको समझ आया एक बार सारे बच्चे कमेंट करें किसी को डाउट है अब देखो डायरेक्ट यस का मान निकालने का तरीका देखना डायरेक्ट एक्स का मान तेरह चौक को बावन और ये पचपन तो पचपन और बावन का अंतर थ्री एक्स अगर ये दोनों वैल्यू बराबर तीन दोनों का अंतर ले लो ग्यारह तेरह का अंतर दो बारह दो न यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आठ अगर कोई पूछे ए ए तो चार में आठ का गुड़ा करो बत्तीस कोई पूछे बी तो पांच में आठ का गुणा करो चालीस लेकिन मेरे बच्चों ये बत्तीस चालीस तो है लेकिन कब आज की आठ साल पहले ये आठ साल पहले है हम लिख भी सकते हैं कि मान ले माना लेट माना हम लिख भी सकते हैं माना चार वर्ष पहले ए आपका फोर एक्स का था और बी आपका फाइव एक्स था ये कब माना था ये चार साल पहले है अब प्रेजेंट निकालना होगा तो बत्तीस में चार जोड़ूंगा छत्तीस और चालीस में चार जोड़ूंगा चौवालीस यानी दोनों की वर्तमान उम्र का योग हो जाएगा अस्सी दूसरा तरीका अब देखो डायरेक्ट कैसे ऑप्शन से लगेगा डायरेक्ट देखना अब देखो वर्तमान पूछा गया उनकी वर्तमान उम्र का योग वर्तमान वर्तमान उम्र का योग अगर ये वर्तमान उम्र का योग है बात समझना समझना और ये चार साल पहले का है ये कब का चार साल पहले इसका मतलब चार साल पहले एक उम्र चार यूनिट थी और बी की उम्र पांच यूनिट थी अगर ए की उम्र पूछता तो हम चार का मल्टीपल देखते बी का उम्र पूछता तो हम पांच का मल्टीपल देखते दोनों की उम्र का योग पूछा तुम नौ का मल्टीपल देखेंगे लेकिन नौ का मल्टीपल कब होगा आज के चार साल पहले तो चार साल पहले ए भी चार साल छोटा होगा बी भी, भी चार साल छोटा होगा अगर अस्सी में से आठ घटा दू तो अस्सी में से आठ घटेगा बहत्तर होगा इसमें से आठ घटेगा तो अट्ठासी होगा इसमें से आठ घटेगा तो छाछ होगा

सभी बच्चे कमेंट करिए राजेश सर की बाबू अच्छा अरे भैया पढ़िए मेहनत से ये बताइए तो गजब का ट्रिक्स बताए हैं सर ठीक है आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा बेसिक से बेसिक भी बताऊंगा सभी सभी बच्चे कमेंट करें कमेंट एकदम धुआंधार तरीके से चलना चाहिए हाँ अब देखो ए और बी की वर्तमान आयु ये है और आठ वर्ष पहले अनुपात ये था अब से आठ साल बाद अब कब पूछा गया अब से आठ साल बाद अब से आठ साल बाद ए और बी का अनुपात गजब सवाल वेरी गुड बहुत अच्छा सवाल है ए की वर्तमान आयु ये है तो हम इसको मान लेते आठ यक्स और इसको मान लेते हैं पंद्रह एकदम बिल्कुल एक लाइन में सवाल हो जाएगा यह और आठ साल पहले तो आठ साल पहले के लिए क्या करेंगे माइनस की प्लस अरे आठ साल पहले के लिए क्या करेंगे माइनस की प्लस बोलो तो जरा माइनस करेंगे प्लस करेंगे एक बार कमेंट करिए माइनस करेंगे प्लस करेंगे आठ साल पहले के लिए बताइए चार और आठ का डिफरेंस नहीं चार और आठ का डिफरेंस मेरे बच्चों चार साल पहले और आठ साल बाद का डिफरेंस बारह साल बोला है मैंने बोला साल पहले और साल बाद सर पहले वाला मैं नहीं आया क्वेश्चन पांच में अच्छा सुनिए चार साल पहले की एज और आठ साल बाद की एज इन दोनों का डिफरेंस बारह साल होगा भाई आज के चार साल पहले की एज आज के पांच आठ साल बाद की एज इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बारह साल होगा ठीक है चलिए आइए पहले के लिए माइनस करेंगे ठीक है माइनस ये कौन बोला प्लस करेंगे जीपी पटेल कैसे करेंगे ये वर्तमान एज है और आठ साल पहले अगर आज आप बीस साल के हैं तो आठ साल पहले अट्ठाईस साल के थे नहीं बीस में से आठ घटा के बारह साल के थे अब देखिए डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं यक्ष की वैल्यू निकालने के लिए चलिए तेरह वट्ठे और नब्बे नब्बे एक चार का अंतर कितना होगा चौदह अगर ये दोनों वैल्यू बराबर तो इसका अंतर ले लीजिए तेरह और छह का अंतर सात वटी छप्पन एक्स की वैल्यू आ जाएगी चार बाकी आप इसको बेसिक से भी निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मतलब अगर कोई पूछे ए कितने साल का है तो आठ में चार का गुणा करिए बत्तीस बी कितने साल का है तो पंद्रह में चार का गुणा करिए साठ लेकिन ये कब भाई जरा देखिए तो वर्तमान ये वर्तमान ये वर्तमान ये देख लीजिए अगर ये पांच साल पहले का बोलता तो ये पांच साल पहले की होती अगर आठ साल पहले का बोलता तो आठ साल पहले की होती वर्तमान बोला तो वर्तमान होगी पूछा गया है अब से आठ साल बाद अब से आठ साल बाद यानी ये तो वर्तमान है और वर्तमान से अगर आठ साल बाद निकालना है तो इसका मतलब आठ इसमें भी जोड़ना पड़ेगा तो ए हो जाएगा आठ साल बाद बत्तीस और आठ चालीस और बी हो जाएगा आपका साठ में आठ जोड़ेंगे अड़सठ तो किससे कटेगा चार से आपका दस बार में और चार से सत्रह बार में तो रेशियो आ जाएगा टेन रेशियो सेवनटीन यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा हाँ इस बार सभी बच्चे सही बताए हैं इस बार सभी बच्चे सही बताए हैं यह भी सीजियल टीयर वन का ही सवाल था उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है जीडी में एक एक क्वेश्चन है ओबीसी कुछ हो सकता बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल होगा चलिए आइए एक बच्चा कमेंट कर रहा है बीरो की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश वाह 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 वा, क्या बात है। बीरों की धरती जवानों का देश और बागी बलिया उत्तर प्रदेश क्या बात बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है ठीक है करिए चलिए बलिया की धरती से प्रणाम नमस्ते चलिए इसको करिए ये सवाल करिए यह सवाल आपका मेन्स का पूछा गया मेन्स का टीयर टू दो बताइए सर आप बहुत अच्छे हैं थैंक यू माई डियर जी डी में एक सौ एक क्वेश्चन है ओबीसी कुछ हो सकता है हाँ बिल्कुल फिजिकल के लिए आपको कॉल होगा लेकिन फाइनल मेरिट में आपका फिफ्टी फिफ्टी चांस है चलिए पांच साल पहले ए बी ये देखो ये पांच साल पहले की है और आज से पांच साल बाद का अनुपात अब सोचो जरा हमें ये बताओ कि पांच साल पहले और पांच साल बाद की उम्र का अंतर कितना होगा दस होगा कि नहीं होगा यानी ये जो मेरे बेटे ये है ना ये पांच साल पहले का है तो मैं मान लेता हूं कि आज के पांच साल पहले 5 साल पहले फोर एक्स का था और ये फाइव एक्स का बोलो हाँ साल पहले ये कब का है ये कब अरे 4, 5 कब अरे का का भाई 5 साल पहले का। और आज से पांच साल बाद ये जो रेशियो बना वो कब बना पांच साल बाद तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा एक बार सभी बच्चों कमेंट करके बताइए तो क्या जोड़ना पड़ेगा पांच की दस अब यह हो जाएगा अट्ठाईस और ये हो जाएगा तीस अंतर होगा टू एक्स और छह सात का अंतर 1, एक में दस का गुणा करेंगे दस यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी पांच एक्स की वैल्यू आ जाएगी पांच एक्स की वैल्यू आ जाएगी पांच इसका मतलब पांच में चार का गुणा करोगे तो ये बीस साल का ए है बीस साल का और पांच में पांच का गुणा करोगे तो पच्चीस ये पच्चीस साल लेकिन कब अभी नहीं ये आज की नहीं है ये पांच साल पहले तो वर्तमान कैसे निकलेगा अगर हम प्रेजेंट निकालें अगर प्रेजेंट निकालें तो प्रेजेंट निकालन तो निकालना तो क्या करेंगे बीस में पांच जोड़ देंगे पच्चीस साल का और पच्चीस में पांच जोड़ देंगे तीस साल का ये दोनों का वर्तमान निकल गया पूछा गया है यदि वर्तमान में सी बीस से 10 साल छोटा है सी बीस से 10 साल छोटा तो बीस से 10 साल छोटा होगा तो 30 से 10 साल छोटा होगा तो कितने साल का होगा 20 साल का तो पूछा गया ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात बताना है तो ए की वर्तमान उम्र क्या है 20 की 25 25 है ए की वर्तमान उम्र और सी की वर्तमान उम्र कितनी है बीस तो रेशियो क्या बनेगा पांच पचे पच्चीस और पांच चौको बीस यानी रेशियो हो जाएगा फाइव इस टू फोर तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये और देखिए सवाल ये मेंस में पूछा गया है हाँ बहुत अरे कौन बता रहा है ये चार तीन अरे भैया चार तीन कैसे होगा पांच चार होगा बी होगा बी हाँ हिमांशु सतेंद्र अनिल बहुत अच्छा अरुण अमित वेरी गुड आंखों में प्यार बातों में खुशबू कहा से लाते हो आप कितना मुश्किल है खुश रहना कैसे कर पाते हो आप बिल्कुल करता हूं आप लोगों को देख के आप लोगों को सुन के आप लोगों के बीच रह के तू ही तो जन्नत मेरी चलो हो गया ये सवाल रेशियो से भी कर सकते हो आप रेशियो से भी कर सकते हो देखो रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे बच्चे आइए समझा देते हैं दोनों तरीके से सीखना है ये चार पांच रेशियो है आज के पांच साल पहले मान लेते हैं ये प्रेजेंट है तो ये आज के पांच चार साल पहले और बाद में कितना होगा छह साल अब देखो ये भी दो यूनिट बढ़ गया ये भी दो यूनिट बढ़ गया और दो यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितना साल है पांच साल पहले पांच साल पहले और पांच साल बाद दस वर्ष होगा ये तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी एक यूनिट की वैल्यू पांच होगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा पांच चौको बीस लेकिन आज नहीं ये हो जाएगा पांच पचे पच्चीस ये बीस साल का है पच्चीस का लेकिन कब आज के पांच साल पहले आज होगा बीस में पांच जोड़ोगे पच्चीस और आज होगा 25 से पांच जोड़ोगे 30 बाकी आगे का तो कॉन्सेप्ट सेम है यानी ए की वर्तमान उम्र 25 साल बी की वर्तमान उम्र 30 साल और सी की वर्तमान उम्र इससे 10 साल छोटी है यानी ये 20 साल का होगा अब पूछा गया ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात तो ये ए है ये सी है और पच्चीस रेशियो बीस यानी कि ये काटेंगे तो पांच पच्चे पच्चीस और पांच बीस ये करिए क्वेश्चन नंबर आठ क्वेश्चन नंबर आठ करिए 140 है आज कुछ दिन के बाद 500 के पार होंगे बस सपोर्ट करिए ठीक है बहुत अच्छा है थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट ऐसे देखिए ये सवाल सीपीओ SI 2019 ने में पूछा गया था और सीपीओ SI 2019 का पेपर आज तक की हिस्ट्री में आज तक की पूरे एसएससी के इतिहास में सबसे मुश्किल पेपर आया है एस एस सी सीजीएल टू सॉरी सीपीओ टू का और उसी का सवाल है अब ये सात साल पहले है और ये सात साल बाद है देखो ये चार पांच है और ये पांच छह है मान लेते हैं ये प्रेजेंट है तो ये पहले ये बाद में तो अब देखो क्या दोनों में अंतर समान है तो ये चार से पांच हुआ एक बढ़ा

आज के सात साल पहले आज के सात साल पूछा गया है अब से पांच साल बाद अब से पांच साल बाद तो सात जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आए और पांच और जोड़ोगे या तो सात पांच दो बार जोड़ो या तो सात पांच इकट्ठा बारह जोड़ लो आज के पांच साल बाद तो सात साल एक बार जोड़ना पड़ेगा फिर पांच साल जोड़ना पड़ेगा सात पांच बारह जोड़ो इकट्ठा तो छप्पन में आप बारह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अड़सठ और आप सत्तर में बारह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बयासी आज के पांच साल बाद तो दो से कटेगा चौतीस और दो से कटेगा इकतालीस यानी आज के पांच साल बाद ये उम्र होगा चौतीस इकतालीस पहले तो ये बताइए जरा आप लोग हमें पहले तो ये ये बताइए कहां से जुड़ा किसी बच्चे को डाउट है ये कहां से जुड़ा अगर हम साथ जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे लेकिन प्रेजेंट का नहीं पूछा गया है आज के पांच साल बाद पूछा गया है तो दो बार जोड़ना पड़ेगा एक बार सात फिर एक बार पांच अब कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं कुछ ए बता रहे हैं गलत मत करो कुछ तैतीस चालीस बताना कुछ चौतीस इकतालीस बताना गलत मत करो बारह जोड़ना पड़ेगा एक बार सात फिर एक बार पांच तो इकट्ठा जोड़ लें किसी को डाउट नहीं एक बार सब एक छोटा सॉन्ग सुना दीजिए ठीक है सुना दूंगा कोई बात नहीं सुना दूंगा आपके कमेंट में देख रहा हूं सुना दूंगा अभी सुना दूंगा चलिए अभी सुना दूंगा चलिए अभी सुना दूंगा कोई बात नहीं ठीक है नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए उनके पुराने खत जला बैठा हूँ नया खत नहीं आएगा ये जानते हुए उनके पुराने खत जला बैठा हूं किसी किसी से इश्क भी नहीं कर सकता किसी से इश्क भी नहीं कर सकता मैं एसएससी सीजीएल से दिल लगा बैठा हूं मैं एसएससी सीजीएल से दिल लगा बैठा हूँ चलो सुना दिया खुश आओ करो ये सबको समझ आया कि नहीं चलो आओ ये करो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन करिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन करिए सभी बच्चे नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन करो दिया गया कि पिता और मां की उम्र का अनुपात यह था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था और पिता और मां की उम्र का अनुपात यह हो जाएगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से डबल होगी पिता और मां की वर्तमान आयु का अनुपात एक खतरनाक सवाल और कहां पूछा गया मेंस में मेंस में आज के बाद आज के बाद एज प्रॉब्लम की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म ये बताओ अच्छा पिता और माता यानी कि फादर और मदर ये फादर हैं और ये मदर हैं इनकी उम्र का अनुपात क्या था 11:10 लेकिन कब जब उनके बेटे का जन्म हुआ था ये रेशियो कब है जब बेटे का जन्म हुआ था बात को ध्यान से समझना बड़े गौर से चलिए आइए पिता और मां की उम्र का अनुपात यह होगा उन्नीस रेशियो अठारह जब पुत्र की आयु अपनी डबल हो जाएगी अब जैसे मान लीजिए पुत्र की कोई एज होगी जैसे मान लीजिए अब कितनी हो जाएगी उन्नीस रेशियो दस उन्नीस रेशियो कितना है अठारह उन्नीस रेशियो अठारह ध्यान से सुनिएगा <laughs> मान लेते हैं कि पुत्र की आज कुछ होगी आज मान लेते हैं कुछ होगी प्रेजेंट में कुछ है मान लेते हैं कि प्रेजेंट में पुत्र की कुछ उम्र है पुत्र की कुछ उम्र है तो ये माता पिता का रेशियो था कब भाई जब बेटा पैदा हुआ था बेटा पैदा हुआ था मान लेते हैं अगर बेटा दस साल का है तो यह दस साल पहले और जब बेटा डबल होगा आज से डबल आज से डबल का मतलब बोला गया है जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान से दोगुनी होगी यानी जब पिता जब बेटा बीस साल का होगा यानी ये दस साल बाद यानी बात समझ गए अगर आज बेटा दस साल का है ये दस साल पहले की बात हो रही है दस साल बाद की बात हो रही है यानी ये जस्ट यानी कॉन्सेप्ट क्या है ये 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 समझ रहे हो क्या है ये जितना पहले का है उतना ही बाद का ये अगर पुत्र आज दस साल का है तो जितना पहले का उतना ही बात का यानी आठ साल पहले का रेशियो है तो ये आठ साल बाद का रेशियो है अगर ये पांच साल पहले का रेशियो तो ये पांच साल बाद का रेशियो है अगर ये नौ साल पहले का रेशियो तो ये नौ साल बाद का रेशियो बोलो हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है सर सब कुछ समझ आ रहा है बोलिए पुत्र का डबल का मतलब जब वो डबल होगा जब वो डबल होगा जब वो डबल हो जाएगा क्लियर तो पूछा गया है पिता और मां की वर्तमान अब उनका प्रेजेंट निकालना है तो बढ़ता चलाएगा अब 11 से 19 हुआ तो कितना बढ़ा अरे 11 से 19 तो 8 बढ़ा यहां भी 8 बढ़ा तो 8 बढ़ा ये मिडिल वैल्यू है ये मिडिल वैल्यू है ये मिडिल वैल्यू है ये मिडिल वैल्यू है जस्ट इसका ऊपर है और जितना ऊपर उतना ही नीचे मिडिल वैल्यू है तो ग्यारह से उन्नीस हुआ तो आठ जुड़ा है तो आधा जोड़ दो चौदह और आधा जोड़ दो यहां कितना जोड़ोगे चार जोड़ोगे तो ग्यारह में चार जोड़ोगे पंद्रह और यहां चार जोड़ोगे तो अठारह या फिर अगर ये मिडिल वैल्यू है तो डायरेक्ट इसका रेशियो ले लो उन्नीस ग्यारह को जोड़ दो जोड़ो उन्नीस प्लस ग्यारह डिवाइड बाई टू औसत ले लो तो तीस को दो से भाग दोगे तो ये हो जाएगा पंद्रह और अठारह दस अट्ठाईस अठारह दस अट्ठाइस और दो से भाग दोगे तो हो जाएगा चौदह तो रेशियो क्या बनेगा मेरे बच्चों में पंद्रह चौदह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गया है और ये मिडिल वैल्यू तो चार यहां जुड़ेगा और चार यहां फिर जुड़ेगा नहीं जोड़ पाते हो, अगर ये मिडिल वैल्यू है तो दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो क्लियर दोनों को दोनों को हाफ कर दो चलिए आइए ये करिए अब देखिए एसएससी जीडी का भी सवाल मैंने लिया है मैं हर एग्जाम को कवर किया हूं चाहे वो एसएससी जीडी हो चाहे वो सीपीएसआई हो चाहे सीजीएल हो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो एन सभी एग्जाम को कवर किया ये सवाल करके बताइए तो बहुत अच्छा सवाल करिए चलिए मेरे बच्चों ये बताइए बोला गया है कि फाइव इसो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इतना है एंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इतना है आफ्टर थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ व्हाट विल बी सम ऑफ देयर एजेस बी एंड सी बहुत अच्छा सवाल है एक गजब का क्वेश्चन है सर आप काहे से कितना है आइए पांच साल पहले एबीसी का अनुपात था यह पांच साल पहले था और उनकी अब सोचो अगर पांच साल पहले यह अनुपात था अनुपात कब था पांच साल पहले यह अनुपात कब था एबीसी का पांच साल पहले तो इसका मतलब आज पांच साल ये भी बड़ा हो गया पांच साल ये भी बड़ा हो गया पांच साल ये भी बड़ा हो गया यानी पांच साल पांच साल पांच साल सब बड़े हो गए तो जब मान लेते हैं इसको फोर एक्स अब देखो मान लेते हैं इसको फोर एक्स इसको फाइव एक्स इसको सेवन एक्स तो प्रेजेंट कितना होगा फोर एक्स प्लस फाइव फाइव एक्स प्लस फाइव सेवन एक्स प्लस फाइव तो कितना हो जाएगा सात पांच बारह चार सोलह एक्स और सोलह एक्स प्लस पांच 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 पंद्रह का परसेंट ये तीनों का आज से पांच साल पहले ये तीनों का वर्तमान है और तीनों का वर्तमान एक सौ पैंतीस है एक सौ पैंतीस तीनों का वर्तमान क्या है एक सौ पैंतीस तो ये पंद्रह उधर जाएगा तो क्या मिलेगा बीस यानी सोलह एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा एक सौ बीस और अगर हम एक्स के लिए सॉल्व करें तो एक सौ बीस को सोलह से भाग करेंगे तो चार चो को सोलह और चार से कट जाएगा तीस बार में और इसको भाग देंगे तो सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा क्लियर है अब से तीन वर्ष बाद बीसी की उम्र का अनुपात क्या होगा देखो अगर तुम ए का निकाले गो तो कितना साल का हो जाएगा साढ़े सात में चार का गुणा करोगे तीस वर्ष इसमें गुणा करोगे साढ़े सात में पांच का गुणा करोगे पैंतीस और ढाई साढ़े सैंतीस और इसमें साढ़े सात का गुणा करोगे तो उनचास और साढ़े तीन साढ़े बावन यानी साढ़े बावन साल के थे लेकिन कब भाई आज के पांच साल पहले पूछा गया अब से तीन वर्ष बाद बीसी तो अगर अब कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें पांच जोड़ेंगे तो वर्तमान आएगा और तीन जोड़ेंगे तो सीधा आठ जोड़ दो सीधा आठ जोड़ दो तो साढ़े सैतीस में आठ जोड़ेंगे आप तो सैंतीस तीन चालीस पैंतालीस साढ़े पैंतालीस होगा और इसमें आठ जोड़ेंगे हम लोग तो साढ़े साठ साल होगा क्योंकि पांच फिर तीन जोड़ने से बढ़िया है पूछा गया बी और सी का योग अब से तीन साल बाद इन दोनों का योग क्या होगा तो साठ चालीस सौ एक सौ पांच एक सौ छह वर्ष यानी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा एक में गया है। में भी गया। देख लीजिए जी डी में बोलिए एसएससी जीडी में पूछा गया किसी को डाउट है भाई ये जो उम्र है वो पांच साल पहले पांच वर्ष पहले पांच वर्ष पहले अब वर्तमान कैसे निकालेंगे इसमें भी फोर एक्स प्लस फाइव फाइव एक्स प्लस फाइव सेवन एक्स प्लस फाइव तो सात पांच बारह चार सोलह एक्स और फाइव 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 ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू ये निकल जाएगी यानी हम ये निकाल सकते हैं अब पूछा गया अब से आठ साल बाद सॉरी अब से तीन साल बाद तो पांच जोड़ेंगे तो वर्तमान आएंगे और फिर पांच में तीन जोड़ेंगे तो दो बार पांच तीन जोड़ने से बढ़िया दोनों में इकट्ठा आठ जोड़ लो आठ जोड़ लो तो ये बी की उम्र है सी की उम्र है यानी यह बी की उम्र कब होगी आज से तीन साल बाद यह सी की उम्र कब होगी आज से तीन साल बाद तो तीन साल बाद दोनों की उम्र का योग पूछा गया है चलिए आइए ये सवाल करिए भी सस्ती जीडीए में सवाल आपका पूछा गया तो जो सवाल जीडी में भी आए हैं उसको भी हमने लिया है करिए इस सवाल को करें इस सवाल को सभी लोग मास्टर कौन है खाना बना रहे हैं खाना बना नहीं रहे पढ़ाई कर लीजिए पढ़ाई करिए दिया गया सीमा आयु में रीमा से आठ साल छोटी है यदि चार साल पहले उनकी आयु का अनुपात यह था तो अब से छह वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया बताइए बहुत अच्छा सवाल है दिमाग लगाइए सीमा आयु में रीमा से छोटी है यदि चार साल पहले उनकी उम्र का अनुपात अच्छा अगर आप आठ साल छोटे हैं तो आज भी आप आठ साल छोटे होंगे कल भी आप आठ साल छोटे होंगे दस साल पहले भी आप आठ साल के छोटे होंगे दस साल बाद भी आप छोटे होंगे अब दिया गया चार वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात यह था चार साल पहले यानी चार साल पहले उनकी आयु का अनुपात यह था तो मेरे बच्चों अगर हम चार साल पहले बोले चार वर्ष पहले कौन कौन है सीमा और रीमा ये सीमा है और ये रीमा है उनकी आयु का अनुपात वन टू था ये वन टू तभी भी आठ साल का अंतर होगा भाई अगर आज आठ साल का अंतर है तो वो तो जीवन भर अंतर होगा चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो तो चार साल पहले भी आठ साल का अंतर होगा तो अंतर एक यूनिट का है और एक की वैल्यू आठ है इसका मतलब यहां भी आठ का गुणा करेंगे यहां भी आठ का गुणा करेंगे यानी सीमा आठ साल की थी और रीमा सोलह साल की थी लेकिन कब लिखा है पे चार साल पहले पूछा गया अब से छह साल बाद अब से छह साल बाद तो ये चार साल पहले है और अब से साल बाद तो या तो एक बार चार जोड़ो एक बार जोड़ो या तो इकट्ठा दस जोड़ दो तो अब से छह साल बाद सीमा सीमा तो अगर इसमें हम चार जोड़ेंगे तो प्रेजेंट होगा और फिर छह जोड़ेंगे तो छह चार दस आठ अट्ठारह साल तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा अब से छह साल बाद ये 18 साल की होगी बी हां वैसे सारे बच्चे आंसर करेक्ट कर रहे हैं ठीक है चलिए सबको समझ आया कि नहीं किसी को दिक्कत सबको समझ आ गया अगला सवाल करिए यह भी एस एस में सवाल आपका पूछा गया है 2021 में 2021 में सवाल आपका पूछा गया करिए सभी लोग सर एक और बता देना हाँ बताइए क्या बताइए क्या पूछ रहे हैं ये बताइए ये सवाल बहुत अच्छा है बताइए सभी लोग बताएं सभी लोग सॉल्व करें टोटल हमने आज 25 सवाल लिया है और 25 सवाल में आपका ये खत्म इससे फिर आपके एक से दो सवाल पक्के एक वर्ष पूर्व अनुपात ये था और आज से सात साल बाद अनुपात ये होगा आज से सात साल बाद अब देखो ये चार तीन है तो इसको हम फोर एक्स मान लेते हैं इसको हम थ्री मान लेते हैं ये एक साल पहले था और सात साल बाद तो एक साल पहले और सात साल बाद में क्या जोड़ना पड़ेगा आठ साल आठ जोड़ना पड़ेगा और अनुपात क्या होगा नौ सात यक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे आप लोग कैसे निकालेंगे अट्ठाइस सत्ताईस का अंतर एक्स. और अगर ये दोनों डेटा बराबर तो इसका अंतर ले लो नौ सात का अंतर दो दो वटे सोलह यक्स की वैल्यू सोलह यानी ये सोलह चौका चौसठ और यह सोलह अड़तालीस यानी ये ए है ये बी है लेकिन ये एज कब की है अरे ये चार तीन कब की है तो आप कहोगे सर ये तो एक साल पहले की है अगर कोई पूछता वर्तमान क्या होगा तो वर्तमान में एक जोड़ देते जोड़ देते तो पूछा गया वर्तमान अगर वर्तमान पूछा जाए तो ए की वर्तमान उम्र पैंसठ वर्ष और कोई पूछे बी की वर्तमान उम्र तो फोर्टी वर्ष पूछा गया बी की वर्तमान उम्र तो फोर्टी आपका आंसर आ जाएगा यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ए बहुत अच्छा सर जी वादा नहीं इरादा लेकर आए हैं आपको इंस्पेक्टर बनाने का सेलेक्टेड है तो सिलेक्शन दिलाएंगे टॉपर हैं तो टॉपर बनाएंगे इंस्पेक्टर हैं तो इंस्पेक्टर बनाएंगे तो बेटा पहले मैंने करके दिखाया है फिर आपको करने के लिए बोल रहा हूं ठीक है रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा थक करना बैठ है मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा क्या बात है बच्चे बहुत कलाकार हैं ठीक है थीके? ये बताइए ये, ये बताइए आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है यही समय है कुछ करना है इसे खोना नहीं है बहुत अच्छी बात है चलो ये बताओ एबीसी की वर्तमान औसत आयु 60 साल है औसत आयु औसत आयु ध्यान देना औसत आयु 60 साल है अगर तीन लोगों का औसत 60 साल है अगर तीन लोगों का औसत 60 साल है तो तीनों का टोटल कितना होगा 60 में तीन का गुणा करो 180 सौ अस्सी क्लियर है ये बात सबको समझ आ गया आओ बी और सी की वर्तमान औसत साल है अगर बी और सी की वर्तमान औसत बी प्लस सी की वर्तमान औसत यानी दो लोगों का औसत पचास है तो दो लोगों का टोटल कितना होगा सौ साल अगर औसत में संख्या का गुड़ा करते हैं औसत में संख्या का गुड़ा करते हैं ये दो लोगों का औसत था दो से गुणा किया तीन लोगों का औसत था तीन से गुणा किया और बी प्लस सी का सौ है इसका मतलब अगर इसमें से इसका घटा दें तो की वर्तमान उम्र अस्सी वर्ष आएगी तो पूछा गया की वर्तमान उम्र क्या होगी तो अस्सी वर्ष उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सर थोड़ा धीरे सर चलिए ठीक है आज मोटिवेशनल कोटर्स की क्लास चल रही है हाँ ठीक है चलिए सबको समझ आ गया किसी को दिक्कत नहीं है ठीक है थोड़ा धीरे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है वो देखने में भले ही पतला है पर कई लोगों का बोझ संभाल रख सकता है सही बात है चल वैष्णवी सिंह हर्षिता अग्रहरी अनून कुमार एक बार सभी बच्चे कमेंट करें क्लियर है ए भगवत पाल चलिए कितने बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं एक बार कमेंट करके बताइए क्या उनको क्लास समझ में आ रहा है कितने बच्चे आज पहली क्लास में आए कमेंट करिए और बताइए कितने बच्चे आज पहली क्लास में आए हैं वो कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है ये सवाल देखो बड़ा मस्त है करो करो सभी बच्चे सॉल्व करें सभी बच्चे सॉल्व करें बताएं इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर बताइए बोला गया कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु ये है यानी हसबैंड और वाइफ की जो एज है औसत साल है यानी यानी प्लस वाइफ, दो लोगों का, तो हसबैंड प्लस वाइफ अगर दो लोगों का औसत पच्चीस साल है तो टोटल हो जाएगा पच्चीस में दो का गुणा करोगे पचास वर्ष यानी पचास वर्ष यानी हस्बैंड प्लस वाइफ इन दोनों की उम्र पचास साल थी कब विवाह के समय विवाह के समय अगर कोई पूछे पति कितने साल का है तो भी नहीं बता सकते पत्नी कितने साल की तो भी नहीं बता सकते सिर्फ यह बता सकते हैं कि पति और पत्नी का जो टोटल होगा वो पचास साल का होगा पति कितने साल का है पत्नी कितने साल की नहीं बता सकते समझ में आ गया लेकिन कब विवाह के समय अब बोला गया सात साल बाद तो सात साल बाद पति भी सात साल बड़ा हो जाएगा पत्नी भी सात साल बड़ा हो जाएगी तो टोटल जुड़ जाएगा चौदह साल यानी सात साल बाद दोनों की जो उम्र होगा वो चौसठ साल हो जाएगा बोलो हाँ या ना? बोला कि एक साल बाद उनका दो वर्ष का एक बच्चा है अच्छा सात साल बाद दो साल का एक बच्चा है तो वर्तमान समय में परिवार की औसत आयु कितनी होगी अब देखो ये चौसठ साल के तो हस्बैंड प्लस वाइफ है वर्तमान में और दो साल का बच्चा है यानी हम बोल सकते हैं कि तीनों की जो वर्तमान उम्र है वो छाछठ वर्ष है यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक बच्चा अगर तीन लोगों का औसत छाछ वर्ष है तो औसत निकालने के लिए अगर तीन संख्याओं का योग है तो औसत के लिए तीन से भाग देंगे यानी हस्बैंड प्लस प्लस वाइफ प्लस बच्चा प्रेजेंट में इनका औसत आपका 22 22 वर्ष होगा सर ये सारे क्वेश्चंस आपके सीट में नहीं है हाँ मैं करा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ हाँ हमारी फर्स्ट क्लास है समझ में आ रहा है अनिल एक बार बताइए अनिल क्या आपको सर जी आठ नहीं शांत है चलिए बताइए ये करिए ये सवाल करिए ये भी एस एस में सवाल आपका पूछा गया करिए सभी के लिए सेशन है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीजीएल हाँ, में हा एआईआर वन को थार गिफ्ट करेंगे बिल्कुल गिफ्ट करेंगे अगर आप ए आई आर वन ले आते हो तो थार गिफ्ट होगा बिल्कुल गिफ्ट होगा चलो ये करो ए और बी की आयु का अनुपात आठ साल पहले ही है ये आठ साल पहले ध्यान से सुनना और चार साल ये गजब सवाल है ये गजब सवाल है ये कौन करेगा मैं कमेंट देख रहा हूं ये कौन करके बताएगा सर आप ग्रेट है पीडीएफ कहां मिलेगा संदेश का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी ये गजब सवाल है, इसका उत्तर बताओ बताइए बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं आने का तरीका लाजवाब है ठीक है मोस्ट रेनाउंड टीचर्स थैंक यू कृष्णा ये सवाल कौन बताएगा यह कौन बताएगा ए और बी की आयु का अनुपात ये आठ साल पहले ध्यान से सुनना ये आठ साल पहले है और ये चार वर्ष पहले उनका अनुपात उन यानी आठ साल पहले ये आठ साल, साल पहले और ये चार साल पहले यानी दोनों इस बार पहले पहले यानी अगर मान लो ये आज प्रेजेंट है तो ये आपका आठ साल पहले है और ये आपका चार साल पहले है पहले दोनों है ये आपका चार साल पहले है और ये आपका आठ साल पहले है बताओ बताओ भाई और पूछा गया अब से आठ साल बाद उनका अनुपात क्या होगा अब से आठ साल बाद गुड इवनिंग बाबू अब से आठ साल बाद तो ये जीडी में सवाल पूछा गया है लेकिन है बड़ा गजब सवाल है बहुत गजब सवाल एक बार करिए तो सभी लोग करके बताइए तो है एकदम गजब सवाल करिए सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका करिए सभी लोग कौन करेगा गजब हां कौन करेगा इसको बहुत बढ़िया जी सर समझ में आ रहा ठीक है अब देखो इसको रेशियो से बताओ कि एक से बताओ अब देखो ये आठ साल पहले है ये चार साल पहले यानी आज अगर वर्तमान है तो ये चार साल पहले या आठ साल पहले जैसे मान लो अगर वर्तमान में 2023 है तो चार साल पहले का मतलब 2019 और आठ साल पहले का मतलब 2015 यानी अगर इसमें मैं चार जोड़ूंगा तभी आएगा इसमें मैं चार जोड़ूंगा तभी आएगा इसमें मैं चार जोड़ूंगा तभी आएगा यानी इसमें मैं चार जोड़ूंगा ये वाली उम्र में अगर मैं चार साल जोड़ू तो ये वाली उम्र आएगा क्लियर है अगर मैं मान लू ये टू एक्स है और मान लू ये थ्री एक्स है अगर इसमें मैं चार साल जोड़ूंगा तो ये वाला रेशियो बनेगा पांच सात का बोलो हाँ तो सात में दो का गुणा करेंगे चौदह तीन का गुणा करेंगे तो का अंतर एक। अगर ये दोनों बराबर है ना तो इसका अंतर ले लो पांच सात का अंतर दो दो चौक आठ एक्स की वैल्यू आठ आ जाएगी एक्स की वैल्यू आठ आ जाएगी तो इसका मतलब एक कितने साल का हो जाएगा आठ दुना सोलह साल का अरे आठ का गुणा करोगे तो आठ दुना सोलह और बी आठ तरीके चौबीस लेकिन कब ये कब है ये रेशियो कब का है आठ साल पहले अगर तुम आठ साल जोड़ोगे तो वर्तमान आएगा लेकिन पूछा गया अब से आठ वर्ष बाद यानी आज से भी आठ साल बाद ये आठ साल पहले है यानी आठ साल पहले है यहां से आठ साल पहले और आपको यहां से आठ साल बाद जोड़ना है तो यानी आठ साल एक बार फिर आठ साल एक बार यानी कि सोलह साल जोड़ना पड़ेगा तो अब से आठ साल बाद यानी ये सोलह प्लस सोलह बत्तीस साल का होगा और अब से आठ साल बाद ये चौबीस में भी सोलह यानी दोनों में सोलह सोलह जोड़ना पड़ेगा तो ये चालीस साल का होगा और रेशियो पूछा गया तो आठ चौक बत्तीस और आठ पचास चालीस कितने बच्चे चार पांच दे रहे हैं जरा मैं कमेंट देखू चार पांच डी 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 अच्छा यार लाइन बहुत गजब क्या बात है मतलब सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं गजब साइलेंट किलर बहुत अच्छा अनिल बात समझ में आ गया सबको क्लियर हुआ ये सवाल बहुत शानदार था गजब सवाल था बताइए किसी को डाउट एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग हां एक बार लाइक कर दीजिए ठीक है सबको समझ आया किसी को दिक्कत नहीं चलो बाकी समझ गए आइए अगले सवाल पे चलते हैं ये बताइए टोटल हमने दस सवाल और बचे हैं दस टोटल दस क्वेश्चन और बचे हैं दस क्वेश्चन ये भी सवाल आपका जीडी में ही पूछा गया है बताइए ए और बी की वर्तमान उम्र ये है और नौ साल बाद ये है अगर सी बी से तीन साल छोटा तो सी की वर्तमान उम्र बोलो बताइए ए बी का वर्तमान उम्र ये ए का वर्तमान उम्र है और ये बी का वर्तमान उम्र है और नौ साल बाद मतलब बाद के लिए क्या करते हैं जोड़ेंगे ना बाद के लिए तो और ये हो जाएगा उन्नीस रेशियो इक्कीस अब अगर यक्स की वैल्यू देखो निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका एक्स की वैल्यू इसका इसमें गुणा करोगे तो एक और आठ एक और उन्नीस में नौ का गुणा करोगे एक, सो एक, सो एक, सो एक तो अंतर कितना इन दोनों का थ्री एक्स। और जब ये दोनों वैल्यू बराबर है ना तो इनका पहले अंतर ले लो उन्नीस इक्कीस का अंतर दो दोनों में अठारह यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी छ तो ये हो जाएगा आठ छ के अड़तालीस और ये हो जाएगा नौ छ के चौवन लेकिन कब वर्तमान कब कहा ये रेशियो वर्तमान ये वर्तमान का रेशियो इसी की वैल्यू निकाला मैंने ये वर्तमान है पूछा गया है यदि सी बी से तीन वर्ष छोटा जो सी ये ए है ये बी है और सी बी से तीन वर्ष छोटा है तो चौवन में से तीन घटा दोगे तो इक्यावन तो पूछा गया सी की वर्तमान उम्र तो आपका फिफ्टी हो जाएगा फिफ्टी वन फिफ्टी सी करेक्ट होगा डी नहीं होगा गुलशन गलत सर आपके नंबर के लास्ट में एक सौ आठ है क्या हां मेरे नंबर के लास्ट में एक सौ आठ है चलिए बताइए क्लियर हो गया सभी लोगों को समझ आया ये ए की वर्तमान उम्र ये बी की वर्तमान उम्र और सी की वर्तमान उम्र इससे तीन साल कम यानी चौवन में से तीन घटाओगे तो इक्यावन साल आ जाएगा यानी सी की वर्तमान उम्र क्या होगी इक्यावन साल तो ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा सुपरविजन ऐसे ही रॉकेट नहीं बना हूं ठीक है चलिए आइए चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर आज का सत्रह करते हैं हम लोग टोटल हमने पच्चीस सवाल लिए हैं टोटल हमने पच्चीस सवाल लिए हैं मेरे बच्चों करिए सभी लोग करें सभी लोग सवाल को सॉल्व करें पहले वीडियो को शेयर करिए सभी बच्चे एक बार फटाफट जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट नाइन का सवाल पूछा गया सिलेक्शन पोस्ट नाइन A और बी की आयु का अनुपात ये है और चार साल पहले अनुपात ये था चार साल पहले ध्यान से सुनना पहले तो पहले के लिए क्या करोगे माइनस माइनस कर दोगे पहले के लिए क्या होता माइनस अनुपात था पांच साल बहुत आसान है कितना आसान है देखो इक्कीस बीस का अंतर एक्स और अगर ये दोनों बराबर है तो इनका अंतर ले लो पांच सात का अंतर दो चौक आठ यानी ये हो जाएगा आठ थ्री के चौबीस साल और ये हो जाएगा आठ चौको बत्तीस साल ये ए है ये बी है ये ये ए है है लेकिन ये कब है भाई ए और बी की आयु का अनुपात ये कब था तो चार चार आठ जोड़ दो तो यानी एक ही बार आठ जोड़ दो तो जाएगा बत्तीस वर्ष और यहां भी एक ही साथ आठ जोड़ दो तो ये हो जाएगा चालीस वर्ष अनुपात पूछा गया तो आठ चौको बत्तीस आठ पच्चीस चालीस यानी आठ साल बाद ए और बी की उम्र का अनुपात टू फाइव होगा ऑप्शन वाला सी करेक्ट हो जाएगा सी करेक्ट हुआ डीपी में एकदम बवाल लग रहे हैं आप और रवि सर थैंक यू डियर चलिए सर आज आपका रॉकेट कहां उड़ गया रॉकेट है अभी रॉकेट आ जाता बीच बीच में आता इसे यू करके चलो आओ क्वेश्चन नंबर अठारह करते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह करते हैं रवि सर बवाल नहीं रियल में हीरो हैं मिलो कभी रवि सर हजारों लाखों बच्चों के आइडियल हैं और उनके पढ़ाने का तरीका और मैंने देखा कि अगर जो बच्चा उनसे रीजनिंग पढ़ा मैंने नहीं सुना कि कभी 25 में से 24 किया 25 में 25 अगर गलती से गलती ना हो तो बेटा अगर गलती से गलती ना करो तो रीजनिंग में तो फिर तो तुम्हारा कल्याण ये मतलब 25 में से 25 ठीक है हाँ यस सर मेरा भी आ रहा है मैंने बोला ना आपका नहीं बहुत मैक्सिमम सबका ही आता है चलिए आइए करिए करो इसको आठ साल पहले ए बी का अनुपात यह था और अब से आठ साल बाद अनुपात ये होगा यदि सी की वर्तमान उम्र बी से तेरह साल कम है और डी की वर्तमान उम्र ए की आयु से आठ वर्ष कम है तो तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग गजब सवाल गजब 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 बताओ बताइए आपकी गन कहाँ है मेरी गन कौन सी <laughs> मेरी गन आओ देखो ये आठ साल पहले बताओ किससे लगाऊं एक बार सभी बच्चे कमेंट करें रेशियो से लगाऊं कि से लगाऊं बोलो ये पांच सात था किसी से लग, किसे लगाऊं बोलो सर आपका कितना अच्छा मेरा कितना रैंक था बच्चे ने क्या पूछा मेरा कितना रैंक था किसने पूछ रहे भाई सीजीएल में या सीपीओ में सीपीओ में मेरा रैंक था लगभग थाउजेंड के लगभग थाउजेंड के लगभग मेरा रैंक थाउजेंड कुछ था मेरा रैंक सीपीओ में और सीजीएल मेरा 800 कुछ रैंक था सीजीएल में भी चलिए आइए इस सवाल को करिए आठ वर्ष पहले ए और बी का अनुपात यह था और अब से आठ साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा सी की वर्तमान आयु बी से तेरह वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए से आठ वर्ष कम है तो वर्षों में सी डी की वर्तमान आयु गजब सवाल है बताइए दोनों से चलो मैं पहले रेशियो से बता देता हूं आठ साल पहले रेशियो आठ साल पहले था और बाद में क्या होगा नौ ग्यारह यानी अगर यह प्रेजेंट है अगर यह प्रेजेंट है तो यह आठ साल पहले और यह आठ साल बाद तो यह भी दो बढ़ गया यह भी अच्छा यह चार बढ़ गया और यह भी चार बढ़ गया ठीक है लेकिन चार यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आठ साल की सोलह साल मेरे बच्चों आठ साल पहले आठ साल बाद का अंतर होगा सोलह साल यानी चार यूनिट की वैल्यू सोलह तो एक यूनिट की वैल्यू होगी चार साल एक यूनिट की वैल्यू होगी चार साल अगर हम यहां निकालना चाहे तो ये हो जाएगा आपका बीस वर्ष का और ये हो जाएगा आपका अट्ठाईस वर्ष का लेकिन कब आज नहीं आज नहीं आज के आठ साल पहले अगर आज कोई पूछे तो बीस में आठ जोड़ दो ये आज अट्ठाईस साल का है ये आज अट्ठाईस साल का है और बी इसमें आठ जोड़ दो तो अट्ठाइस में आठ जोड़ोगे ये छत्तीस साल का है यानी ये प्रेजेंट निकल गया दोनों का ये तो आठ साल पहले का है बोला गया है यदि सी की वर्तमान आयु बी से तेरह साल कम है जो सी है वो इससे तेरह साल कम है तो छत्तीस में से अगर हम तेरह घटाएं छत्तीस में से अगर हम तेरह घटाएं तो तेईस साल हो जाएगा यानी ये सी की वर्तमान उम्र है और डी की वर्तमान उम्र ए से आठ वर्ष कम ए का ये वर्तमान उम्र है और इससे आठ वर्ष कम यानी अट्ठाईस में आठ कम करेंगे बीस तो पूछा गया है कि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से तेरह साल कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से आठ वर्ष कम है तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग इन, इन, दोनों का वर्तमान आयु का योग पूछा है 43, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा बोलिए जॉब क्यों नहीं किए क्योंकि जॉब छोड़ दिए इस जॉब के लिए सब परेशान रहते हैं मैंने एक इंस्पेक्टर छोड़ा है तो हजार इंस्पेक्टर बना के छोड़ेंगे एक छोड़ा तो हजारों बना के छोड़ेंगे इसलिए छोड़ा है हमारी मुझे आपकी खुशियों में खुशियां हैं मेरी खुशियां आपकी खुशियों में खुशियां कि आप अगर इंस्पेक्टर बनेंगे आपकी नौकरी लगेगी उसमें मुझे ज्यादा खुशी है चलिए इस सवाल को करिए क्वेश्चन नंबर 19 टोटल छह सवाल और हैं हम लोग पच्चीस सवाल करेंगे आज के डेट में हम लोग टोटल पच्चीस सवाल करने वाले हैं एक बार सभी बच्चे सेशन को पहले लाइक करने कर दें और शेयर कर दीजिए अभी लास्ट में आपको एक इंफॉर्मेशन भी बताने वाला हूं लास्ट में आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन भी बताने वाला हूं जो आपके काम लायक -like चीज है आपके काम लायक -like चीज लास्ट में आपको बताने वाला हूं यह सवाल आपका एमटीएस में पूछा गया सवाल एमटीएस एमटीएस में पूछा गया सवाल है सही बात है सर चलिए यार दूसरों की खुशियों में जो खुशियां है वो अपनी खुशियों में खुशियां कहां होती है जब दूसरा बच्चा आके बोलता कि सर अभी इतने बच्चे मैसेज किए सर मेरा एक सौ है एक है ये जैसे ये हमारे एक मोहम्मद सोहेल है राजके सर का रॉकेट इन्होंने बोला मैं सर मेरा बत्तीस है इतनी खुशी होती है कि चलो मेरे वजह से इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं कोई कहता सर मेरा 130 है कोई 125 है कोई 140 है एक अलग से फीलिंग आती है कि यार मेरे वजह से किसी की नौकरी लग रही है और मेरा अगर आपकी नौकरी में मेरा अगर दस परसेंट का भी कंट्रीब्यूशन है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है मैं बहुत इसमें बहुत खुश होता हूं अगर आपकी नौकरी में नौकरी आपकी नौकरी में मेहनत आपका है बट अगर उसमें मेरा दस परसेंट भी कंट्रीब्यूशन है तो आई एम सो हैप्पी मुझे इस बात से बहुत खुशी है रमेश सुरेश से तीन गुना बड़ा है और दो साल के बाद रमेश की आय सुरेश की आय की दोगुनी हो जाएगी बहुत आसान है ये रमेश है ये सुरेश है ये तीन गुना है तीन गुना है और दो वर्ष के बाद दोगुना हो जाएगा दोगुना अब जानते हैं अब क्या बोला गया यही बोला गया है अब इन दोनों का अंतर कितना बोलो इन दोनों का अंतर कितना है दो इन दोनों का अंतर एक तो दो से गुणा करना पड़ेगा इसके अंतर से उसमें गुड़ा उसके अंतर से इसमें गुड़ा यानी यह तीन से चार हो गया यह एक से दो हो गया यानी एक यूनिट की वृद्धि और एक की वैल्यू दो साल के बराबर है इसका मतलब ये वर्तमान में छ वर्ष का है वर्तमान में रमेश कितने साल का है? छह वर्ष का है हालांकि ये सवाल बहुत ही आसान था मैक्सिमम बच्चों ने कर लिए होंगे मैक्सिमम बच्चों ने बाकी ऐसे भी कर सकते थ्री एक्स एक्स थ्री एक्स एक्स प्लस दो साल बाद बोला गया है दोगुना हो जाएगा टू वन तो थ्री एक्स का अंतर और इन दोनों का अंतर एक, एक में दो का करेंगे वैल्यू निकालना उम्मीद की समझ आई होगी चलिए लास्ट पांच सवाल और हम लोग करेंगे लास्ट के पांच ये सवाल आपका MTS में पूछा गया मैंने सभी एग्जामों को कवर करने की कोशिश की है चलिए आइए दिया गया कि पांच साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात यह था और अब से पांच साल के बाद अनुपात यह होगा अब से दस वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात चलो यह पांच साल पहले था यह पांच साल पहले था मान लेते अगर यह प्रेजेंट है और आज से पांच साल बाद क्या होगा चार पांच ये चार से पांच हो गया यह तीन से चार हो गया ये ए है ये बी है तो कितने की वृद्धि हुई एक यूनिट की एक यूनिट की एक यूनिट की और एक की वैल्यू क्या है ये साल पहले करें तो हो मेरे बच्चे तीस और यहां दस से गुड़ा करें तो चालीस लेकिन कब आज नहीं पांच साल पहले बोला गया आप अब से दस साल बाद तो इसमें पांच जोड़ोगे तो प्रेजेंट आएगा और दस जोड़ोगे दस साल बाद आएगा तो इकट्ठा दस साल जोड़ दो तो दस जोड़ोगे तो दस साल बाद आएगा और पांच जोड़ोगे तो वर्तमान आएगा तो इकट्ठा पंद्रह साल जोड़ते हैं तो तीस में पंद्रह जोड़ेंगे तो पैंतालीस और इसमें जोड़ेंगे तो पचपन क्या पूछा गया भाई अब से दस साल बाद ए और बी का अनुपात तो पांच से नौ बार में पांच से ग्यारह बार में रेशियो क्या बनेगा नाइन रेशियो इलेवन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा चलिए सर आज रवि सर नहीं नहीं लिए क्लास नहीं आज मैं ही क्लास लूंगा संडे को सर की क्लास मंडे टू रहेगी मेरा हर संडे को मैराथन क्लास होगा इस सवाल को देखता हूं कौन करेगा ये सवाल बढ़िया है इस सवाल को करके जरा दिखाइए तो अलका यादव मां शारदा वैष्णवी सतेंद्र चलिए ये सवाल करके दिखाइए अभी लास्ट में आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा चलिए सभी बच्चे इस सवाल को करिए सभी बच्चे इस सवाल को करिए करिए फटाफट करिए सभी लोग सॉल्व करें इस सवाल को चलिए सभी बच्चे इस सवाल को सॉल्व करें बहुत गजब सवाल है इसका बताओ मैं कैसे बताऊं बेसिक या डायरेक्ट ट्रिक डायरेक्ट हाईली अप्रोच रवि सूर्या से 12 साल छोटा है रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का चालीस परसेंट है आज से नौ वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी मेंस में सवाल पूछा गया है। चलो समझो पहले ये रवि और ये सूर्या ये रवि है ये सूर्या अच्छा पहले सवाल में क्या बोला गया है बोला गया कि रवि की आयु उस रवि सूर्या से बारह साल छोटा है अगर ये एक्स साल का होगा तो मान लेते हैं एक्स प्लस बारह साल का होगा कोई दिक्कत नहीं है भाई रवि सूर्या से बारह साल छोटा हो गया अगर इसे आप एक्स मानते तो इसे तो इसे 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 मानते या फिर मानेंगे मानेंगे बोला गया है कि जो रवि की आयु है ना वो उसकी और सूर्या की योग का चालीस परसेंट है यानी जो रवि की आयु है इन दोनों के टोटल का चालीस परसेंट इसका चालीस नहीं इसका चालीस नहीं, नहीं। यानी ये वैल्यू इसका चालीस नहीं ये वैल्यू इन टोटल का चालीस यानी हम बोल सकते हैं टोटल कितना होगा आप कहेंगे एक्स एक्स जोड़ दो टू एक्स प्लस है यानी टो सॉरी टोटल और इसका चालीस परसेंट यानी जो रवि की आयु है इन दोनों के टोटल का चालीस परसेंट टोटल का चालीस परसेंट यह है तो बीस से दो बार में और बीस से पांच बार में गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा फोर एक्स प्लस चौबीस अभी एक डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा ये हो जाएगा फाइव एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी चौबीस एक्स की वैल्यू हो जाएगी चौबीस यानी अगर कोई पूछे कि रवि की एज कितनी है तो एक्स की वैल्यू आ गई चौबीस साल कोई पूछे कि सूर्या की कितनी है तो चौबीस में बारह जोड़ेंगे तो चौबीस में बारह जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा छत्तीस साल क्या पूछा गया है आज से नौ वर्ष बाद सूर्या की आयु सूर्या की आयु छत्तीस कई बच्चे तुरंत छत्तीस मार्क कर देंगे कई बच्चे छत्तीस देखिए ए आंसर आ भी रहा सीखा ठाकुर का गलत हो गया ये छत्तीस मार्क कर रहे अरे भाई ये नहीं पूछा है ये नहीं पूछा है ना अब जरा देखिए गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग पूछा गया अब से नौ वर्ष बाद तो अब से नौ वर्ष बाद यानी नौ जोड़ना पड़ेगा ये तो वर्तमान निकाला है तो अब से नौ वर्ष बाद एग्जामिनर हमेशा हमेशा आपको ऐसे ट्रैप करने की कोशिश करेगा और जो सवाल गलत होगा जो ऑप्शन गलत होगा उसको पहले पे रख देगा ताकि आप गलती करें गलती से भी गलती करें क्लियर हो गया अब देखो एक तगड़ा अप्रोच दिल थाम के बैठो ये अप्रोच तुमको सिखा रहा हूं देखना ये अप्रोच सिखा रहा हूं जरा सुनना सुनना मेरे बच्चों मेरे बच्चों ध्यान से सुनना बोला क्या गया है कि रवि की आयु इन टोटल का चालीस परसेंट है यानी टोटल का चालीस परसेंट यानी मान लो टोटल मेरे जेब में इतना पैसा है अगर इसके पास चालीस परसेंट है तो इसके पास साठ परसेंट होगा अगर ये वैल्यू टोटल का चालीस है तो ये वैल्यू टोटल का साठ होगा अगर ये वैल्यू टोटल का चालीस है तो ये वैल्यू टोटल का साठ होगा अगर x की वैल्यू चालीस है इसका मतलब ये भी तो चालीस होगा यानी सिर्फ ये बीस परसेंट है तो मेरे बच्चों अगर बीस परसेंट की वैल्यू बारह है हम जानते हैं कि किसके बराबर है चालीस परसेंट के इसका मतलब अगर कोई का मान निकालना निकालने के लिए कहे तो 40 परसेंट की वैल्यू क्या होगी ये 20 का डबल है तो 12 का डबल क्या हो जाएगा 24 चौबीस की वैल्यू आ गई चौबीस तो वर्तमान में कितने साल का होगा वर्तमान में कितने साल का होगा चौबीस में बारह जोड़ेंगे छत्तीस साल का क्लियर एक बार बताओ रवि सर आपको कितने का पैकेज दिए हैं अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम क्या बात कर रहे हो जहां दिल है वहां पैकेज की बात क्या कर रहे हो जहां दिल है वहां पैकेज की तो कोई बात ही नहीं होती यार समझ रहे हो जहां दिल है वहां पैकेज की क्या बात है ठीक है चलो आओ ये समझ आया कि नहीं यानी ये, ये वैल्यू अगर टोटल की चालीस है तो ये साठ होगी जबकि यक्स की वैल्यू चालीस इसका मतलब ये भी चालीस तो ये बीस है यानी यस की वैल्यू चालीस निकाली डायरेक्ट निकाल देंगे चौबीस क्लियर हो गया आओ क्वेश्चन तीन क्वेश्चन और हम लोगों को करने हैं तीन क्वेश्चन करो इस सवाल को यह सवाल सीजीएल टियर 2 2020 में पूछा गया है 2020 में पूछा गया सवाल ये सीजीएल टियर 2 2020 चलिए एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर करें लाइक करें और बताएं सभी बच्चे सेशन को शेयर करें तीन सवाल अभी हम लोग लास्ट में कुछ डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस भी करेंगे राजेश सर दिल है रवि सर का बिल्कुल चलिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल ये है और अब से चार साल बाद पुत्र की आयु ये हो जाएगी अब से दस बार दस साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात ये सवाल बताओ ना कि वो अपना एस एस का रोल नंबर और दोनों सेंड करो भाई कौन है एक करोड़ एक महीने का एक करोड़ एक महीने का एक महीने का एक करोड़ <laughs> चलो तुमको बहुत पता है कौन है ये जी पे कौन है ये कह रहा है रियल लाइफ ये एक महीने का कौन है ये चलो ठीक है आओ देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल ये है और अब से चार साल बाद दिया गया अब से चार साल बाद तो अगर ये वर्तमान बावन साल के हैं ये लोग तो चार साल बाद चार पिता भी बढ़ जाएगा चार पुत्र भी बढ़ जाएगा तो बावन चार छप्पन छप्पन और चार साठ यानी अब से चार साल के बाद पिता भी चार साल बढ़ जाएगा पुत्र भी तो आठ साल बढ़ जाएंगे यानी अब से चार साल बाद दोनों की उम्र का टोटल और दोनों का जो रेशियो वन बाई फोर वन बाई फोर यानी वन बाई फोर यानी मैं लिख सकता हूं कि जो पुत्र है और जो पिता है वन फोर का मतलब अब से चार साल बाद पुत्र और पिता की अनुपात यह है यानी यह अनुपात है यह टोटल है यह अनुपात है और यह टोटल ये है ये टोटल, ये है अनुपात टोटल यानी एक चार की वैल्यू है तो बांट दो साठ को साठ को बांट दो तो साठ को आप पांच से भाग करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बारह यानी ये हो जाएगा पुत्र बारह साल का और ये बारह चौकों अड़तालीस साल का ठीक है आज के चार साल बाद पूछा गया अब से दस साल बाद अब से ये अब से चार साल बाद है अब से चार साल बाद है ना तो अब से दस साल बाद क्या होगा छे फिर से जोड़ना पड़ेगा छ छ जोड़ना पड़ेगा तो अठारह और चौवन नौ अठारह चौवन वन जाएगा वन इन अब से दस साल बाद पूछा गया है तो ये जो उम्र हमने निकाला ना आपसे चार साल बाद तो चार साल बाद निकाल दिया तो दस साल में क्या करना पड़ेगा अरे ये चार साल बाद है सत्ताईस का है और तैतीस का बताना छह जोड़ देंगे बोलो समझ आया बहुत अच्छा है सर आप प्रयागराज में मैथ गजब का पढ़ाते हैं ठीक है थैंक यू डियर आपकी सोच पर हमें गर्व रहा अब समाज में ऐसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं थैंक यू आर के ये बात आपको समझ में आया कि नहीं वन इज टू थ्री सही होगा क्लियर हो गया आइए ये करिए ये सवाल सी एच एस एल में पूछा गया हमने हर टाइप के सवाल लिए हैं हर एग्जाम को कवर करने की कोशिश की है बताइए बताइए आठ साल पहले एबी का अनुपात ये था और अब से चार साल बाद अनुपात ये होगा सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ऐसे छह साल छोटी यानी ए की बताना है और ए की जो उम्र नहीं सी की बताना है सी की उम्र कितनी होगी ये बताना है और हम जानते हैं कि उसकी उम्र ए से छह वर्ष अधिक है बहुत आसान है आओ देखते हैं आओ देखते हैं इसको मान लेते हैं हम लोग नाइन एक्स इसको मान लेते हैं हम टेन एक्स और ये आठ साल पहले और ये चार साल बाद तो आठ साल पहले और चार साल बाद में क्या जोड़ू बताओ तो आठ साल पहले और चार साल में क्या जोड़ू बारह बारह प्लस बारह रेशियो क्या बन जाएगा बारह तेरह बारह तेरह तो तेरह में नौ का गुणा करेंगे सत्रह और बारह में दस का गुणा करेंगे एक सौ बीस अंतर होगा दोनों डेटा बराबर तो इसका अंतर ले लो बारह तेरह का अंतर एक एक में बारह का गुणा करोगे बारह यानी की वैल्यू निकलेगी चार यानी ये हो जाएगा चार नवा छत्तीस साल का और ये हो जाएगा चार दहा में चालीस साल का लेकिन कब ये ए और बी है लेकिन कब है भाई आठ साल पहले रेशियो कब का है आठ साल पहले का आठ साल पहले का आठ साल पहले का पूछा क्या गया है अगर इनका वर्तमान निकालना हो तो वर्तमान कैसे निकालेंगे यानी ए की वर्तमान उम्र ये हो गई ये वर्तमान निकल जाएगी और इसकी वर्तमान उम्र ये निकल जाएगी अड़तालीस वर्ष क्या पूछा गया है यदि सी की वर्तमान उम्र क्या होगी यदि उसकी आयु ए से छह अधिक है ए से छह अधिक है यानी ए से छह अधिक है तो चवालीस में छ जोड़ेंगे तो पचास साल यानी सी की जो वर्तमान उम्र है वो पचास साल है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट अरे बयालीस कैसे आएगा बयालीस कैसे बता रहे हैं पचास आएगा क्या बोला गया है सी की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु ए से अधिक है ए से छह साल अधिक है यानी इससे भी अधिक है तो चवालीस में छह जोड़ेंगे तभी तो पचास होगा चौवालीस में छह जोड़ेंगे तभी तो पचास होगा भाई चवालीस में छे जोड़ेंगे चलिए लास्ट के दो सवाल इसके बाद मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे और कल मैं आपको प्रयागराज में रिजनिंग के बेस्ट टीचर मैथ के बेस टीचर राजेश सर थैंक यू चलिए आप लोगों का इतना प्यार मिलता है मैं तो क्या पूरी संदेश आपकी हमेशा के लिए शुक्रगुजार है इस एप्रिसिएशन के लिए आओ ये बताओ ये बताइए क्वेश्चन नंबर चौबीस क्वेश्चन नंबर चौबीस करिए करिए चौबीस इसके बाद पच्चीस दो दो सवाल और बचे हैं इसके बाद एक सवाल बताओ

एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात है ये एक वर्ष पूर्व है और अब से तीन साल बाद यह हो जाएगा कैसे भी कर सकते हो यह फोर एक्स मान लो ये थ्री एक्स मान लो मैं आपको तो ऐसा ऐसा अप्रोच दूंगा आप देखते रहेंगे और अब से तीन साल बाद यह एक साल पहले यह तीन साल बाद तो कितना जुड़ेगा चार चार जुड़ेगा अनुपात क्या हो जाता छह पांच तो यह बीस अठारह अंतर कितना हो जाएगा टू और अगर ये दोनों बराबर तो इसका अंतर ले लो एक चौको चार यानी की वैल्यू हो जाएगी टू यानी चार दुना आठ और तीन दुना छह यानी ए और बी लेकिन ये कब है भाई ये एक साल पहले पूछा गया अब से नौ साल बाद अब से नौ साल बाद क्या जोड़ोगे अब से नौ साल बाद ये एक साल पहले है तो अगर वन जोड़ोगे तो वर्तमान आएगा फिर नौ जोड़ोगे तो इकट्ठा दस जोड़ दो तो अगर आठ में आप दस जोड़ोगे तो हो जाएगा अट्ठारह वर्ष और अगर छह में आप दस जोड़ोगे हो जाएगा सोलह वर्ष यानी आज से नौ साल बाद ए की उम्र होगी अठारह साल और आज से नौ साल बाद बी की उम्र होगी सोलह साल तो पूछा गया है कि आज से यानी अब से नौ साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा तो दो नौ अठारह दो अट्ठे सोलह नौ आठ नौ आठ नौ आठ नो ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा रत्नेश उपाध्याय चलिए अरे साथ कहां से होगा भाई आज से नौ साल बाद पूछा गया आपसे नौ साल बाद अब से नौ साल बाद तो एक जोड़ोगे तब तो नौ देखो एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा नौ ये और नौ के लिए फिर से नौ जोड़ो तो दो बार जोड़ने से अच्छा है कि एक ही बार जोड़ दें एक ही बार जोड़ दे, दे दो बार जोड़ने से अच्छा है चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं मिर्जापुर से परिणाम ठीक है आशीष खुश रहिए आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है आप करके बताएं आज का ये लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आसान सवाल है ये सवाल आपका सीजीएल टीयर वन 2019 में पूछा गया सवाल है उम्मीद है कि कर लेंगे और अभी कमेंट करके बताएंगे कि किसके कितने सवाल सही हुए वो हमें कमेंट करके बता के जाएंगे सभी बच्चे कमेंट करके जाएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए जरूर बताएंगे बोला गया रोहित और नितिन की आयु का अनुपात ये है और उनकी वर्तमान आयु का योगफल ये तो बहुत है उनकी आयु का अंतर ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है और ये उनका टोटल है ये भी वर्तमान ये भी वर्तमान ये आपका रोहित है ये आपका नितिन रेशियो क्या है तीन आठ यानी टोटल कितना हो जाएगा ग्यारह ग्यारह की वैल्यू चौवालिस है तो एक की वैल्यू चार हो जाएगी और इन दोनों का अंतर कितना है पांच यूनिट इन दोनों का अंतर पांच यूनिट तो पांच छ बीस वर्ष बीस वर्ष बात समझ गए क्लियर हो गया कि नहीं अगर ऑप्शन से करते तो कैसे करते दोनों का अंतर पांच तो पांच से कटने वाली संख्या ना तो ये होती, ना, ये होती हाँ। दो है तो ग्यारह तो दे की, की वैल्यू चौवालीस तो एक की वैल्यू चार होगी यानी रोहित का अगर कोई पूछता वर्तमान तो चारियां बारह इसका बत्तीस दोनों का अंतर पूछा गया तो दोनों का अंतर पांच चौको बीस साल उम्मीद है कि आपको बात समझ आया होगा चलिए आइए आप सबको लास्ट में एक इंफॉर्मेशन देना पहले ये बताइए किसके कितने क्वेश्चन सही हुए जीपी पटेल बीच सभी बच्चे कमेंट करके बताओ एक बार थम दबा दो और कमेंट करो कि कितने सवाल सही हुए पच्चीस में से एक बार सभी बच्चे कमेंट करो कि पच्चीस में से कितने सवाल आपके सही हुए चलो जरा बताओ तो चलिए जरा बताइए कि पच्चीस में से कितने सवाल आपके सही हुए ये पीडीएफ अभी आपके टेलीग्राम पे चली जाएगी और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों जितने भी बच्चे संदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो ऑनलाइन उनको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है तो जो बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उनको ऑनलाइन बिल्कुल क्लासेस फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कि जितनी भी क्लासेस है चाहे वो जनरल बैच की चाहे वो टारगेटेड बैच यूपीएसआई, यूपीपी का चाहे वो इंडिविजुअल रीजनिंग का चाहे इंडिविजुअल मैथ का 50% परसेंट ऑफ था लेकिन 50% परसेंट जो ऑफ था उसका ड्यूरेशन कल खत्म हो रहा है तो ऑफर केवल 20 फरवरी तक था तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो कल तक एडमिशन ले लेंगे तो उनको 50 परसेंट पे मिल जाएगा नहीं तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी यानी जो हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा था वो फुलफिल हो चुका है यानी कल लास्ट डेट है तो आप अगर 50 परसेंट यानी कि 50 परसेंट छूट चाहते हैं तो कल तक एडमिशन आप ले लेंगे ठीक है चलिए ये

ऑनलाइन इंडिविजुअल की फीस सिर्फ ट्रिपल नाइन है 999 सौ है तो उसमें कोई डिस्काउंट का मतलब ही नहीं है नौ है ना चलिए अगले टर्म में सर मैं इंसुरेशन पढ़ा दीजिए ठीक है अगले संडे को भी मेरा हर संडे को मैराथन क्लास चलेगा हर संडे को सात बजे मैराथन क्लास लेके आपके बीच में आऊंगा ठीक है तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और भूलने में तुमको दूंगा नहीं इसीलिए संडे को भी मैराथन क्लास लेके हम आपके बीच आएंगे तो हर संडे को मेरी मैराथन क्लास ठीक सात बजे होगी तो हर संडे को हम लोग एक टॉपिक खत्म करेंगे चलो खुश रहिए नाइस टू मीट यू जय हिंद बाय बाय टेक केयर